इवनिंग मुंबई। नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप यहाँ क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। नमस्कार, सलाम अलैकुम, केम छो? कल कितने लोग थे जो सक्सेस डे में थे? काफी सारे दोस्त, ग्रेट। तो मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल मैंने काफी बता दिया था, फिर भी कुछ लोग नए हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम मनदीप कंबोज, मैं फिरोजपुर सिटी जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है वहां का रहने वाला हूँ। और मैंने वहां से बीकॉम की, एमबीए की, बहुत अच्छे अच्छे टॉप एमएनसीज में मैंने काम किया, बहुत सीनियर लेवल पे जॉब की, जॉब बहुत अच्छे लेवल पे की, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से की, बड़ी अच्छी ग्रोथ मिली मेरे को करियर में, बड़े अच्छे पैकेज पे था जब मैं फॉरएवर में इंट्रोड्यूस हुआ। 2009 में मैंने फॉरएवर को करना शुरू कर दिया, जॉब में भी बड़ा अच्छा पैकेज था, अराउंड लाख सवा लाख रुपए मंथली सैलरी थी, फैंसी डेजिग्नेशन था, बट वो सब चलते चलते आई रियलाइज्ड कि अपना बिजनेस करना चाहिए। अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मैंने देखी, फॉरएवर जैसी कोई ऑप्शन दुनिया में बनी नहीं है। तो जब मैंने फॉरएवर को स्टडी किया डीपली, आई रियलाइज्ड कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कोई बना नहीं सकता, हमारे जैसा ना किसी के पास एलोवेरा है ना बना पाएगा, ना हमारे जैसा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किसी के पास है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी सारे गिना नहीं सकता, आपको सब पता है कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कहीं पे भी नहीं मिलते। क्वालिटी हमारी बेस्ट है, फॉरएवर की क्वालिटी से कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं, तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या बात है, तो फॉरएवर की क्वालिटी से हम लोग खुश हैं, हमें पता है कि हमारी कंपनी जो है वो बेस्ट है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि प्रोडक्ट बेस्ट है तो क्या पैसे भी बेस्ट देती है? मार्केटिंग प्लान से कितने लोग अवगत हैं, कितने लोगों को पता है कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है? जो बिल्कुल नए हैं उनको तो इतना पता नहीं होता, जो लोग पुराने हैं उनको पता होता है कि कितना फेयर, कितना जेन्युइन। तो आप में से कितने लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान से खुश हैं कि हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट है? वाओ, इट्स अमेजिंग कि ऑलमोस्ट सारे ही खुश हैं, तो और जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। अब दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं करियर बनाने में, एक कंपनी को चूज करने में, तीसरी इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट दो जगह की होगी, एक तो यूएसए की और एक इंडिया की। तो मैनेजमेंट हमारी बेस्ट है, कितने लोग मानते हैं? क्या बात, अब सबसे ज्यादा जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए, वी शुड फील प्राउड। रेक्सर मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनको, वो खाली फॉरएवर लिविंग नहीं चलाते हैं, वो फॉरएवर गिविंग भी चलाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है चैरिटी। जब आप उसको स्टडी करते हैं यू गेट अमेज्ड कि वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितने जबरदस्त काम करती है। आप एफएलपी इंडिया की बात करें तो मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, इतनी मतलब अमेजिंग मैनेजमेंट है। ओबी सर जो करते आए हैं 15 साल से, आज तक जो करते रहे, करते जा रहे हैं, आगे जो करेंगे विल बी अमेजिंग। तो वी आर वेरी 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 लकी कि हम ऐसी टीम का पार्ट हैं। ओबी सर और पूरा अपना स्टाफ, निकिता मैम, शर्मिला मैम, रॉयल, जितना भी स्टाफ है यहां पे, हर आरडीओ में उनको इतने अच्छे से, इतने तरीके से, इतने जबरदस्त मतलब तरीके से तैयार किया गया, उनको ट्रेन किया गया, वो हमेशा अवेलेबल होते हैं हम लोगों की ग्रोथ के लिए, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो वी शुड फील प्राउड अबाउट अवर मैनेजमेंट, एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए उन सबके लिए। थैंक यू जी। अगर हम अपना बिजनेस कोई भी करते, बहुत सारे बिजनेस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शूज की दुकान खोल सकते हैं, जीन्स, गारमेंट्स, कुछ भी दुकान खोल सकते हैं, वो दुकान हमें खोलनी पड़ेगी। उस दुकान का रेंट कौन देगा? लाख रुपए, 2 लाख या 5 लाख भी हो सकता है, हम देंगे। उसके एसी का, लाइट का बिल कौन देगा? हम देंगे। वहां स्टाफ रखेंगे, सेल्स रखेंगे, जो भी करना होगा उस स्टाफ का बिल कौन देगा? हम देंगे। फिर भी आई एम श्योर, मैंने एमबीए में सीखा, बहुत सारी कंपनीज के मर्जर होते हैं, फेलियर होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं,
तो वो फैक्ट्रीज वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां के एसी का खर्चा, वहां के स्टाफ का खर्चा, वहां वो सारी चीजें एक बंदा उठा नहीं पाता। बट फॉरएवर में ये बिल्डिंग यूज तो हम कर रहे हैं, बट पे कौन कर रहा है? कंपनी। लाइट्स, एसी, सब कुछ चल रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं। हम अकेले भी आते हैं, कई बार अपने दो चार पांच फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं। यूज कौन कर रहे हैं? हम। पे कौन कर रहा है इस एसी का खर्चा, इन सारी चीजों का खर्चा? वो सब कुछ पे कर रहे हैं फॉर एवर लिविंग। हमें एक प्रोडक्ट बाय करना है, अपनी कंपनी होती तो हम एक ट्रक में प्रोडक्ट को मंगवाते, उसको संभालते, वेयर हाउस करते, पता नहीं कितनी कॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है, वो सारी चीजें हम करते। बट यहां कितना इजी है, एक फॉर्म पे लिखा सर दो हनी दे दीजिए, सर पांच एलोवेरा जेल दे दीजिए। इतना काम भी कई लोगों को मुश्किल लगता है। कई बार हमारी हैबिट बन चुकी होती है कि हम इजी चीज में से भी कुछ और प्रॉब्लम्स या और उसको इजी करना चाहते हैं। वो हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना। वी शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर रेक्स, मिस्टर उबी, निकिता मैम, हमारा पूरा स्टाफ, एफएलपी इंडिया की पूरी मैनेजमेंट, कि हमें ऐसे सिस्टम बना के दे रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं और अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आर वी प्राउड ऑफ आवर सिस्टम? अगर हमें प्राउड है ना, तो वो हमारी आंखों में झलकेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर हमें प्राउड नहीं है, हम अंदर से कोई चीज को लेकर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी हमारी आंखों में झलकेगी और वो कभी भी एक पर्सन जो नेगेटिव है वो किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। फिर वो कहता जी मैंने पांच फॉर्म भरे, फॉर्म तो भर दिए बट उन लोगों को आप पॉजिटिव नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खुद नेगेटिव हो, मे बी किसी भी चीज को लेकर आप नेगेटिव। तो जब आप एफएलपी में हो तो पहली चीज आप कंपनी का पार्ट हो, तो किसी भी चीज को लेके आपने नेगेटिव नहीं होना। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको सपोर्ट तो सिस्टम कर रहा है, अपलाइन हो सकता नहीं सपोर्ट कर रही या उसके वो काबिल नहीं है या उसका कोई रीजन है पर्सनल। लीव हिम, डोंट वरी अबाउट हिम, यू हैव अ सिस्टम। आप यहां पे आइए, यहां पे ट्रेनिंग्स लीजिए, आपके लिए इतने जबरदस्त सिस्टम बने हुए, इनको फॉलो कीजिए, इन सिस्टम्स के साथ चलिए, आप बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। ग्रोथ की स्टोरी मैं अपनी बताऊं तो मैंने 2,50,000 रुपए की जॉब छोड़ी थी आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले। 6 साल कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं देखा जाए तो। करियर बनाने में हम 40 साल भी तो जॉब करते हैं ना, तो 40 साल के बाद भी कई बार हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज या एक अच्छी इनकम या कुछ भी कई बार नहीं होता। 6 साल में जो अचीवमेंट मैंने की है मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से लाइफ में ग्रो होना चाहता था मेरे को वही ट्रैक मिला और मेहनत की। ट्रैक के ऊपर खड़े होने से कुछ नहीं होता। जो विनर होता है, विनर कौन होता है? विनर वो होता है जो ट्रैक के ऊपर दौड़ता है, पूरी जान लगा के दौड़ता है, चैलेंजेस की परवाह नहीं करता। तो आपको अगर विनर बनना है तो ट्रैक आपको मिल चुका है फॉरएवर के। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, एफबीओ बन चुके हैं, तो ट्रैक के ऊपर तो आप हैं। जीतेगा कौन? जो दौड़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपना पसीना बहाएगा। बट अगर हम अपना टाइम नहीं लगा रहे फॉरएवर में, तो फिर टाइम तो निकल रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल, फिर हम कहेंगे जी 5 साल हो गए, 5 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, अगर हम फॉर्म भर के बैठे हुए तो फिर तो कुछ नहीं होगा। बट अगर हम फॉर्म भर के एक्टिव हैं, मेहनत करते हैं, यहां देखते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग है, मैंने कितने लोगों को आज इन्वाइट कर रखा। इन्वाइट करने से लोग नहीं आते, फॉलो करने से आते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि कल अगर हमने इन्वाइट किया तो आज रिमाइंडर होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए कि सर आप आ रहे हैं, कितने बजे निकलेंगे। तो एकदम से वो बंदा सोचेगा ओहो मैं तो कॉफी पीने जा रहा था या कहीं ऐसे बैठा हुआ था, तो वो तो पूछ रहा कितने बजे निकलेंगे। फिर वो यही बोलता अब मैं 2 घंटे में निकलूंगा। ठीक है सर मैं वेट कर रहा हूं, मैं यहीं पे हूं, आप आ जाइए। कई बार हम घर पे बैठ के बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो एक गलत मोड है। हम घर पे बैठे हुए किसी को बोल देते हैं सर आप वहां चले जाना, वो भी नहीं आएगा। जब आप यहां पहुंच के किसी को कॉल करते हैं कि सर कल हमारी बात हुई थी, मैं आपके लिए यहां पहुंच गया हूं, मैं आपकी वेट कर रहा हूं, 2 घंटे पहले जब ये मैसेज आएगा ना तो वो किसी और काम में बिजी भी होगा ना, तब भी वो सोचेगा कि ये पर्सन मेरे लिए वहां पहुंचा है। कल इसने बोला था कि मैं वहां रहता हूं बट आपने कल आना, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपके लिए वहां पहुंच जाऊंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। अब वो पर्सन अंदर से उसको फील होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो आई शुड रीच देयर, ही विल कम हियर, आपको ये साथ बैठेगा, मिलेगा, आप उसको गाइड करेंगे, वो आगे बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा खुद का एक्टिव होना। कई बार हम घर पे बैठ के या फोन पे बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो गलत मोड है, उससे बाहर निकल के हमें कुछ करना चाहिए। मैंने फॉरएवर को पूरा दम लगा के करना शुरू कर दिया,
पूरा जोर लगाया, 1.5 साल के अंदर मेरा जो इनकम था, जो मेरा जॉब में था, 1-1.25 लाख में वहां पहुंच गया और मेहनत करता रहा। कभी एक लेवल को लेके मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैं ये बन गया हूं, बहुत है। हमेशा ये सोचा कि मैं इससे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। वही माइंडसेट में लेके मैं चलता गया, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, शुरू से ही जब से मैं हूं कोई भी ट्रिप नहीं है डोमेस्टिक जो मैंने मिस किया हो, कोई भी ईगल मैनेजर रिट्रीट नहीं है जो मैंने मिस की हो, कोई भी इंटरनेशनल ग्लोबल रैली नहीं है जो मैंने मिस की हो, पहले साल से जब से मैं हूं। थैंक यू जी। चेयरमैन बोनस जब से मैं हूं तब से मैं सारे अचीव कर रहा हूं और आगे ड्रीम्स इससे भी बड़े हैं। और एक ही मेरे को नजर आता है इसमें जो फ्यूल है इन सारी चीजों का, वो है सुबह उठ के भगवान का नाम लेना। जब आप सुबह उठ के अपना दिन, जैसा आप दिन शुरू करेंगे वैसा आपका पूरा दिन जाने वाला है। अगर आप दिन शुरू करते हैं रिग्रेट्स से या किसी नेगेटिव चीज से, किसी भी परेशानी से, तो दिन हम परेशान रहने वाले हैं। पहला जो हमारा काम है, हम अपने भगवान को सुबह उठ के याद करें। जब आप कुछ टाइम वहां लगाते हैं 20-25 मिनट, तो खाली आपको पीस नहीं मिलता, आपको एनर्जी भी बहुत मिलती है, अच्छी सोच मिलती है, अच्छे आप तरीके से बाहर निकलते हैं, बिजनेस भी बड़ा अच्छा डेवलप होता है, आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं और आप एक अच्छे सोच विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे मन से निकलते हैं, किसी का भला करने के लिए निकलते हैं, तो एक जो पर्सन हमें हमेशा वॉच कर रहा है वो भगवान, वो जब वॉच करता है कि मेरा एक भक्त सच्चे मन से आज निकला मेहनत करने के लिए, तो जो आप पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं ना, उसका पूरा फल आपको मिलता है। तो सबको जो पहला काम करना चाहिए ना, सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए और उसके बाद जो बाकी सारा टाइम है वो किसको देना चाहिए जी? जो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक 50 करोड़ का शोरूम खोल दिया, BMW, Mercedes, whatever, वो शोरूम खोल दिया, 50 करोड़ लग गए, वी आर वेरी हैप्पी कि 50 करोड़ का शोरूम खोल दिया। बट अब शोरूम एक दिन खोला था, मुहूर्त कर दिया था, नेक्स्ट डे हम सो रहे हैं कि हमारा शोरूम है वहां पे, ताले लगे हुए, उसको शटर गिरा हुआ है, नेक्स्ट डे कितनी सेल होगी जी? 0। उसके नेक्स्ट डे फिर हम यही सोच रहे हैं कि BMW का शोरूम है, इतना बड़ा शोरूम है, ताला लगा हुआ है, आधा महीना ताला लगा रहेगा तो सेल कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा? 0। फॉरएवर में भी कई बार यही करते हैं, ये शोरूम मर्सिडीज के शोरूम से भी बड़ा, यहां आप उससे भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बट कई बार हम इसका शटर खोलते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं या अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं, किसी फ्रेंड के पास चले गए या कोई और कोई भी यूजलेस जो भी कोई काम में भी जो हमें नहीं करना चाहिए, जहां एनर्जी नहीं लगानी चाहिए हम वहां लगाते रहते हैं, तब हमें वो रिटर्न जो आ सकते हैं यहां से वो नहीं मिलती। सो सिंपल है कि हमें अपना टाइम कंट्रोल करना है, देखना है हमारा टाइम कहां लगना चाहिए, मॉनिटर करना उसको। उसके लिए तरीके मैं आपको काफी सारे बताऊंगा, प्लीज नोट करते रहिए क्योंकि काफी सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं, मिस कर जाएंगे तो फिर दोबारा पॉसिबल नहीं होता उनको करना, तो नोट करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली ये सारा करते करते वहां मैं 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आया था, तो आज अगर मैं बात करूं मंथली इनकम की, तो मंथली इनकम अराउंड 16-17 लाख प्लस रहती है। थैंक यू जी। खाली दिवाली बोनस की बात करूं, चेयरमैन बोनस जिसको हम बोलते हैं, तो लास्ट ईयर 84 लाख रुपीज मिला था, इस बार 97 लाख रुपीज अराउंड। थैंक यू जी। तो 97 लाख 1 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। और यहां जब कई बार मैं अपने MBAs जो बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे हैं फ्रेंड्स, उनको बताता हूं, उनको भी विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं 1 करोड़ रुपया क्या बात कर रहे हो यार, वो मतलब दिखाया होगा तुम्हें, चेक मिला होगा, बैंक में तो नहीं जाते वो, बैंक में भी मिल गए। तो फिर मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि ये मेरी ATM स्लिप, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट, साथ में अपने ब्रांच हेड का ये नंबर है, उनसे भी बात कर लो आप। तो आपके पास इतनी बड़ी पावर है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर का क्या लेवल है। 6 साल में मैं यहां पहुंचा हूं, आप मेरे से भी बहुत आगे निकल सकते हैं, सिर्फ आपको प्लान करना, सिर्फ आपको बड़ा सोचना।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए अगर हम लाइफ में छोटा सोचेंगे, छोटा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आ सकते हैं। छोटा सोचने से, छोटा काम करने से बड़े हो सकते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमने चीज सीखनी है ना, वो है कि हमने बड़ा कैसे सोचना है, बड़े टारगेट कैसे बनाने हैं और उनको अचीव कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए इसकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा देता हूं। मेरी टीम में मैं लगातार इस चीज की ट्रेनिंग देता रहता हूं और मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो सक्सेस का जो मंत्र है ना, शायद वो है ही। क्योंकि कुछ लोग अपने टारगेट नहीं बनाते या बहुत छोटे बनाते हैं, तो छोटा टारगेट जब होगा तो अचीवमेंट उससे भी छोटी होगी। फिर हम परेशान होंगे कि मेरी अचीवमेंट्स बहुत छोटी हैं या नहीं है। क्लियर है जी? हम अगर बड़ा चाहते हैं तो हमें सोचना भी बड़ा पड़ेगा। ड्रीम लेते हैं हम बड़े बड़े, अच्छी गाड़ी जब निकलती है पास में से, कोई टॉप बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, हम सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बट क्या हम सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, कोई प्लानिंग करते हैं? हम खुद बड़ा नहीं सोचते, बड़ी प्लानिंग नहीं करते कि मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज है कि हम हर टाइम सोचते रहते हैं। हम हर टाइम सोचते रहते हैं या नहीं? इवन यहां हुए प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर हमारे मन की हैबिट है हर टाइम कुछ कुछ सोचना, तो बेटर नहीं है कि कुछ बड़ा ही सोचें? नेगेटिव सोचने के बजाय, छोटा सोचने के बजाय, इट इज बेटर कि कुछ बड़ा ही सोच लो। नेगेटिव सोच रहे हैं हमारे साथ ये हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप कुछ बड़ा सोच लो कि कहीं ऐसा हो जाए, कहीं मेरे पास 3-4 गाड़ियां हो, मेरे घर में फरारी खड़ी हो, ऐसा हो, मेरा बंगला ऐसा हो, व्हाटएवर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसा सोच लो। सोचने में पैसा तो नहीं लगता, बट हम डरते रहते हैं, छोटा सोचते रहते हैं बिना बात के। और ये याद रखिएगा बात, हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी लाइफ को शेप करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो आप कैसा सोचना चाहेंगे, कैसा बनना चाहेंगे? बड़ा, बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचना चाहिए। पॉजिटिव बनना चाहते हैं, लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचेंगे लाइफ नेगेटिव बन जाएगी। वो कहते हैं अगर आप सोचोगे ना कि आज मान लीजिए गाड़ी की, आप कोई बंदा सोच ले कि मेरी गाड़ी की टक्कर होनी है, पक्का करके आएगा वो, क्योंकि वो डिसाइड करके निकला मेरी गाड़ी की टक्कर होनी है। तो वो करते करते कहीं ना कहीं बोलेगा, देखा मैंने सोचा था ना टक्कर होनी है, हो गई। तो कुछ अच्छा सोच लेना। आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी टक्कर आज एक बेस्ट बंदे के साथ हो जाए जो मेरा डायमंड बन जाए। मैं यही सोचता हूं एंड इट हैपन्स। जब आप सोचते हैं ये होता है। मैं जब भी सोचता हूं, कई बार मैं ट्रेवल करता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे पास एक ऐसा बंदा बैठ जाए जिसको मैं अपना कार्ड शेयर करूं और बड़े अच्छे प्रोफाइल से हो, मैं उसको आधा पौना घंटा लगाऊं और मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। और ऐसा होता है। बहुत बहुत ज्यादा पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग में। हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, हाँ जी सर गेस्ट बुलाए हुए हैं 3-4, वो चेहरा ही जो है नेगेटिव। अच्छा बुलाए हुए क्या लग रहा है? कुछ नहीं सर लग रहा है, बुलाए देखो क्या पता, सुन के चले ही जाते हैं ज्यादातर लोग। तो वो भी मुझे लग रहा है चले ही जाएंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल श्योर 100% वो चले जाएंगे और उनको जाना चाहिए। तेरे जैसा आदमी जो रो रहा है बिल्कुल इतना नेगेटिव है, उसके साथ ज्वाइन भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यू शुड बी एक्साइटेड, यू शुड बी हैप्पी। आपके चेहरे पे झलकनी चाहिए वो खुशी। आपको होना चाहिए मेरा एक गेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो एक गेस्ट 500 लोगों को ला सकता है अगले 6 महीने के बाद। तो वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर आपको वो आके देखे कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसके अंदर भी हो सकता है कोई हो कि यार ही इज वेरी स्माइलिंग पॉजिटिव सेटल्ड मैन, तो मैं इनके साथ जुड़ जाता हूं। अगर आप परेशान हैं, उसको शो कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो वो बोलेगा भैया बचो, इसके साथ क्या ज्वाइन होना, ये तो खुद सेटल्ड नहीं है, परेशान है, व्हाटएवर। लाइफ को शेप करती है थिंकिंग। सुबह मैं इसीलिए कह रहा हूं, भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, वाहेगुरु जी का नाम जब हम लेते हैं ना 20 मिनट, हम कई बार कितनी देर काम करते हैं, 24 घंटे होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो 20 मिनट वहां नहीं देते। आप देना शुरू करो, इतनी पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और अपने टाइम को यूज करना है कहां पे? बिजनेस में। कई बार हम यूज कहां कर लेते हैं? किसी और के बारे में बोलने में, वो ये करता है, वो करता है, उसकी गाड़ी का नंबर ये है, उसका वो है, उसके साथ ये बंदा आता है, वो जाता है।
आपको अपने बंदे इतने होने चाहिए कि आपको अपने बंदों का भी पता नहीं होना चाहिए कि आज कौन आया, कौन चला गया, कौन कौन सी गाड़ी में आता है। आपको इतना बिजी होना चाहिए आपके काम के ऊपर। टारगेट का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही चीज नजर आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। वही चीज आज हम यहाँ पे सीखेंगे। हम रेडी हैं पॉजिटिव सोचेंगे आज के बाद? Yes. चलिए ग्रेट। बहुत सारे लोग डरते हैं कि ड्रीम्स ना लें, फेल हो जाएंगे तो फिर हम छोटा बन जाएंगे। क्लियर है जी? सो बेटर है कि डरने के बजाय हम कुछ बड़ा सोचें। बड़ा सोचने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। छोटा सोचेंगे छोटे बन जाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो जरूर बड़े बन सकते हैं। क्लियर? छोटा सोच के बड़े बन सकते हैं? नो। बट बड़ा सोच के तो बड़े बन सकते हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो छोटा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा टारगेट बनाना, बड़ा सोचना शायद सबसे इजी काम है। कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें रिस्क है, बट आई एम टेलिंग यू, लाइफ में रिस्क ना लेना ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए। बट मजे वाली बात यह कि कहने को रिस्क होता है, बट फॉरएवर में तो कोई रिस्क ही नहीं है। यहां लगा क्या है? हमने क्या इन्वेस्ट किया? अगर ये ऑफिस हमने खरीदा होता, बनाया होता, 1-2 करोड़ रुपए लगाए होते, कुछ इन्वेस्टमेंट की होती, तो फिर तो हम सोच सकते हैं। बट हमने तो 25 रुपए का एक फॉर्म लिया है। लॉस होने का चांस है 0%। एक ही चांस है कि अगर आपने मेहनत कर ली, आप लगे रहे, तो एक ही चांस है कि आप बहुत ज्यादा ग्रो हो जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे। क्लियर? हम कई बार बड़ा सोचने से पहले अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई, तू कहां से कर लेगा, तू बहुत छोटा है, ये तो बड़ी चीज है, बड़ा काम है, तू बहुत छोटा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम हुए, तो उसका एक ही लॉजिक मिलेगा कि एक आदमी ने बहुत बड़ा सोचा। डिज्नी वर्ल्ड इतना चलता है आज की डेट में, तो एक छोटे से आदमी का बहुत बड़ा सपना था। वो तो सपना इतना बड़ा हो गया कि आज आप लॉस वेगस जाते हैं, मकाऊ जाते हैं, कहीं किसी टॉप कंट्री में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड देखने जाते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? एक ही है, किसी एक आदमी की बड़ी सोच। उसने बहुत बड़ा सोचा कि बहुत बड़े लेवल पे मैं इसको एक इंडस्ट्री बना सकता हूं। और हम तो एक जो प्रूवन सिस्टम है उसमें भी बड़ा नहीं सोच पा रहे, उसमें भी हमें अंदर से आवाज आती कि नहीं, हम छोटे हैं, हम नहीं कर सकते। बट आज के बाद हमें उल्टा सोचना है। आज के बाद हमें सोचना कि हमें बहुत बड़ा करना है। हम छोटे हैं इसलिए क्योंकि हम छोटा सोचते थे, हमने बड़े बनना है और आज से हम बड़ा ही सोचेंगे। करेंगे जी? और छोटे होने का रीजन क्या है? कि हम बड़ा नहीं सोचते। तो आज के बाद हम इसको उल्टा करें। हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे टारगेट क्लियर होते हैं लाइफ में? टारगेट क्लियर ही नहीं होते। हम घर से निकलते हैं FLP के लिए, एक खराब सा पेन ले लेते हैं कई बार। मैं वहीं से चाहता हूं कि वो चीजें बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं। आपका पेन, आपकी नोटबुक, एक एक चीज मैटर करती है, क्योंकि आप प्लान देने जा रहे हो। प्लान में क्या बताते हैं जी हम? पैसा। चेक दिखाते हैं बड़े बड़े? कितने तक के चेक दिखाते हैं हम? हमारे चेक्स इतने बड़े होते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे जो लोग होते हैं ना, मैं इस इंडस्ट्री के जो टॉप जो हैं, कोई BMW के हेड हैं, कोई कुछ है, मैं उनको ज्वाइन कराता हूं। वैसे लोगों को भी जब मैं चेक दिखाता हूं, तो हमारे चेक कितने बड़े होते हैं। मैं सुनील गुप्ता जी का चेक दिखाता हूं, 1,33,00,000। वो बंदे कहते हैं, यार ये सच में मिलता है? इट इज सो बिग, इज इट पॉसिबल इन इंडिया? ऐसा दिवाली बोनस मिल जाता है और ये हर साल मिलता है, क्या बातें कर रहे हो? तो मैं कहता हूं इट हैपेंस, हर साल होता है। होता है जी? हम दिखाते हैं वो चेक, बट चेक दिखाते हुए मान लीजिए हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, हमारे शूज खराब है। मैं कल भी बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको जो चेंज लाना है वो अपने में लाना है। कंपनी इज अमेजिंग, प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड्स बेस्ट, मार्केटिंग प्लान वर्ल्ड्स बेस्ट। एक ही आदमी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक ही आदमी है जिसको हम इंप्रूव करते हैं, वो है हम खुद। तो आज से डिसाइड करना है, हमने खुद में एक चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज, जो खाली आपको चेंज नहीं करेगा, आपकी फैमिली, उनकी लाइफ को चेंज करेगा, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, इवन जो आपके रिलेटिव्स हैं वो चेंज देखेंगे कि इनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये ऐसे कपड़े पहनते थे, अब ये बहुत बेटर हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। वो अपने आप पॉजिटिव होते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो,
होता है जी ऐसे, फिर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम कई बार उल्टा करते हैं, बात तो हम कर रहे हैं कि हम करोड़ रुपए का चेक दिखा रहे हैं, पेन हम यूज कर रहे हैं टूटा हुआ है या कुछ और है, नोटपैड हमारी 10 दिन पुरानी हो चुकी है, फट चुकी है, वही उसके सामने हम वो कर रहे हैं, और वो देखता है कि इस नोटपैड से, इस पेन से और ऐसे कपड़े या शूज खराब हो रखे हैं इसके, वो कहते हैं मेरे को 1 करोड़ रुपए चेक की बात कर रहा है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट वॉज पॉसिबल कि वो बंदा आपका डायमंड बन जाता, बट सिर्फ कुछ चीजों की वजह से उसने माइंड में अपने आप को बताया कि नहीं, नहीं करूंगा मैं ये काम, या इनके साथ नहीं करूंगा। तो क्या हमें ये चेंज करना चाहिए? ये चेंज करना चाहिए। और जब हम घर से निकलते हैं, हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। जब हम फॉरएवर में आए हैं, तो हमें फॉरएवर का अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए, गोल बनाने चाहिए, अपना टारगेट क्लियर करना चाहिए। टारगेट मतलब क्रिस्टल क्लियर टारगेट। प्रॉब्लम क्या आती है? थोड़ी सी परेशानी आती है, हम रुक जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। रीजन एक ही होता है, हमारा जो टारगेट है वो क्लियर नहीं है। कल मैं एग्जांपल दे रहा था, अर्जुन ने तीर चलाया और वो सीधा मछली की आंख में, उसका टारगेट क्या था कल जो थे वो ना बताएं प्लीज, जो कल नहीं थे सिर्फ वो बताएं। अर्जुन का टारगेट क्या था तीर चलाते हुए? आंख, आंख था, राइट। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं, अगर वो खाली आंख होता तो फिर वो तीर लग भी सकता था और नहीं भी लग सकता था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका टारगेट आंख नहीं था, उसका टारगेट था द्रौपदी। उसको पता था कि अगर ये तीर मिस हो जाता है तो आई विल मिस द्रौपदी। सो टारगेट असल में वो था। जब वो टारगेट था तो उसने इतनी मतलब लगन से उस काम को किया कि उसका एक ही रिजल्ट आना था, 100% सक्सेस। जब हम फॉरएवर में आए हैं, थैंक यू, जब हम फॉरएवर में आए हैं, जब हम घर से निकल रहे हैं, जब इसको एज ए बिजनेस हमने ले लिया है, तो हमारा टारगेट इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें क्या बनना है, 2 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 5 साल के बाद क्या बनना है। जब वो क्लियर होगा कि हम फॉरएवर से ये ले सकते हैं, ऐसा प्रॉफिट शेयर ले सकते हैं, ऐसे फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, इतनी इनकम मंथली अर्न कर सकते हैं, जब वो सब क्लियर होगा ना, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, कभी आपको कोई चीज नेगेटिव नहीं करेगी, राइट। तो आज के बाद क्रिस्टल क्लियर टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, सबके अपनी पर्सनल वो है। कोई 50,000 मंथली कमाना चाहता है, कोई 2 लाख कमाना चाहता है, कोई 20 कमाना चाह सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट आप अपने टारगेट्स को लिखो। टारगेट एक ही होता है जो आपके रूम में लिखा होता है। मैं किसी फॉरन में किसी को सुन रहा था, अपने डायमंड मैनेजर शायद मैग्नस या मेरे ख्याल से मैग्नस ही बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मैं अपने मतलब हर रूम में मेरा टारगेट लिखा होता था, इवन मेरे वॉशरूम में भी मैंने स्टिकर्स लगा रखे थे कि मैंने ये करना है, यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। वो इतने कंसर्न्ड थे वो लोग, तभी आज वो 10,000 cc करते हैं। और हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हम इसीलिए कई बार 10 cc करते हैं, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हम निकलते हैं, ट्राई कर लेते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक। टारगेट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, और जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, हम इसको आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। अब टारगेट हमने बनाना कैसा? पहला रूल, लिखना उसको। अदरवाइज आज टारगेट ये है, शाम को कुछ और हो जाएगा, सुबह तक कुछ और हो जाएगा, फिर 2 साल बाद बोलेंगे हम तो पहुंचे नहीं, क्योंकि 2 साल में हमने 20 टारगेट बना लिए अपने, 20 बार हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ। हमारे टारगेट जो हैं बिल्कुल छोटी चीज से शुरू होना। हमने एक सिंपल, मैं आपको थ्योरी बताता हूं, एमबीए में हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे। नीड्स क्या होते हैं जी, पता है जी? हमारी रोटी कपड़ा मकान नीड होती है, ये सबको बेसिक नीड है, ये चाहिए। बट इसके लिए पैसा कितना चाहिए? मे बी किसी को 30,000 rupees पर मंथ चाहिए, किसी को 50 चाहिए। अगर आप खाली नीड के बारे में चिंतित हैं, तो आप इतना ही काम कर पाते हैं, आप इतना ही अर्न कर पाते हैं, मोड कोई भी हो, चाहे FLP चाहे कोई और, आप यहां से भी 25-30,000 कमाते हैं, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं नीड के ऊपर। नीड के बाद आती है वॉन्ट्स, कि ये तो जरूरत है।
रोटी खाए के बिना चलता नहीं काम। वांट क्या है कि आप चाहते थोड़े अच्छे कपड़े हो, कुछ और चीजें थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए, थोड़ी बहुत लग्जरी लाइफ में कुछ और आइटम घर में, अच्छा एसी हो, टीवी हो, ये वो सारी चीजें। कुछ लोग वांट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब छोटे ड्रीम्स भी कह सकते हैं हम इनको, तो उनको उतना मिल जाता है क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं, नीड पूरी हो जाएंगी, थोड़ी बहुत वांट पूरी हो जाएंगी, लाइफ चलती रहेगी, जिसको मैं कहता हूं कटती रहेगी। क्या हम लाइफ काटना चाहते हैं? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजायर। डिजायर क्या होती है हमारी? जब एक BMW निकलती है या किसी की फोटो हम देखते हैं US में घूम रहा है वो कंपनी की तरफ से ट्रिप पे, या कुछ भी कोई सुपर लग्जरी जिसको हम बोलते हैं, वो होती है डिजायर। हमारे अंदर से एक ना आवाज निकलती है, वाओ ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स कार, ये चीज, या इतना बड़ा चेक, ऐसा बंगला, ऐसा घर में ग्रीन लॉन, व्हाटएवर। वो होती है डिजायर। जब आप डिजायर के ऊपर फोकस करोगे, आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाएगा, बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा, ड्रीम्स बड़े बड़े बनेंगे। तो डिजायर के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो दोनों चीजें जो इसके ऊपर है दे विल बी टेकन केयर ऑफ। नीड्स अपने आप पूरी हो जाएंगी, वांट्स अपने आप पूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तो डिजायर ही पूरी हो गई। स्पोर्ट्स कार आ गई, आप तो बात कर रहे थे पहले रोटी कमाने की या छोटा मोटा एक एसी लगवाने की, बट अब आपके ड्रीम्स इतने बड़े हो गए जो आपको पुश करते हैं मेहनत करने के लिए। जब हम घर से निकलते हैं बड़े ड्रीम्स के साथ तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आता है, हमारी बात में एक अलग सी दम आता है, एक पावर आती है, तो उस पावर से हम रिजल्ट मिलता है। हम लाइफ में बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। फॉरएवर जो देती है, इज इट कंपेरेबल? ऐसा जो दिवाली बोनस फॉरएवर देती है, इंडिया में MNCs बहुत हैं, बिजनेस बहुत हैं, सिस्टम्स बहुत हैं, कौन सी और MNC है जहां आप ऐसे दिवाली बोनस देखते हैं? कौन सी जॉब है जहां आपने देखा हो सुनील गुप्ता जी की तरह 1,33,00,000 का चेयरमैन बोनस? किसी जॉब में आपने कभी देखा, कभी सुना? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनली। हम कई बार परेशान होते हैं, कई बार कोई सिचुएशन आती है, हम परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के साथ उसको क्लियर करने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय, हम वहीं रुकना शुरू हो जाते हैं, वहीं रुकते हैं, नेगेटिव होते हैं, 10 बंदों को और नेगेटिव कर लेते हैं या अपनी टीम को खराब कर बैठते हैं और रिवर्स गियर में चले जाते हैं, पीछे को जाते हैं और कहते हैं काम नहीं चल रहा, FLP में ये नहीं है, मे बी ऐसा नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आपको एक काम करना, तब जब आप ऐसे परेशान हैं, आपकी अपलाइंस जो हैं उनके साथ बैठना, आपने जो भी एक्टिव अपलाइन है एक्टिव अपलाइन के साथ बैठना है। जो नॉन एक्टिव है वो बोलेगा मैं भी यहीं बैठा हूं, तो भी यहीं बैठ जा, मैं तो खुद नहीं करता। तो मैं तो बड़ा सीधी भाषा में कहता हूं कि जो नालायक है उसके साथ नहीं बैठना हमें, वो हमें क्या बना देगा, राइट? हमें उसके साथ बैठना है जो एक्टिव है, जो सक्सेसफुल है, वो चाहे आपकी सेकंड अपलाइन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या यहाँ पे किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, कोई ना कोई शॉर्टकमिंग निकलेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रेनर है दे आर वेल ट्रेन्ड, जो भी आपके अपलाइंस एक्टिव हैं, सीनियर हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड, तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। मे बी आपका मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं था, मे बी आपका वर्किंग स्टाइल ठीक नहीं था, या मे बी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस कुछ लाने जरूरी हैं, वो करने के बाद आपका रिजल्ट जो है एकदम ओपोजिट आना शुरू हो जाता है। आप नेगेटिव थे, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके लोग नेगेटिव हो रहे थे, आपके लोग पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें अपनी शॉर्टकमिंग सुननी है, सुधारनी है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, वो है ईगो। मुझे बहुत आता है, आप मुझे क्या बताओगे, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। हमें उल्टा करना है, मुझे कुछ नहीं आता, आप सिखाओ, आप बताओ मैं इसको कैसे करूं। जब हम इस मोड में हैं, सिखाने वाले को मजा आता है, उसको अच्छा फील होता है,
कई बार हम उल्टा करते हैं, कोई सिखाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, हम कहते हैं सर मैं इतने सालों से कर रहा हूं आप क्या बताओगे, वो कहता ओके मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी ईगो भी हर्ट होती है। तो हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना, अपनी शॉर्टकमिंग को चेक करना है, सुधार सकते हैं बट अगर ईगो नहीं रखेंगे तो ईगो को निकाल के हमने बाहर फेंक देना, लर्निंग मोड में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकमिंग अगर आप ओवरकम नहीं करते हैं हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर कोई चेंज जरूरी है तो हमें वो करना पड़ेगा, हमें वहां पे रुकना नहीं है कि नहीं ये नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। अगर आपको कोई एक्टिव पर्सन सीनियर पर्सन गाइड कर रहा है कि सर इसके बजाय हम ऐसे करेंगे या ये नहीं करेंगे तो यू शुड स्टॉप देयर। आपको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, ट्रेनिंग्स लगातार यहां चलती हैं आना चाहिए। अगर हम ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनेंगे तो हमारी टीम जो है वो भी नहीं बनेगी। टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलेंगे, टीम वो करेगी जो आप करते हैं। आप आरडीओ में आते हैं ट्रेनिंग्स लेते हैं, टीम को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखेंगे मेरे सीनियर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं आई शुड सिट, वो देखेंगे सीनियर बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं बोलेगा मेरे को भी ज्यादा खाने चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा कल्चर पैदा करते हैं, क्या उनको दिखाते हैं। कहने से नहीं होता, जो आप करते हैं टीम वो फॉलो करती है। अब जो हमारे टारगेट होते हैं उनको हमने डिवाइड करना होता है अलग अलग तरीकों से। आप अपने टारगेट जो है, खाली एक टारगेट नहीं होता, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता, गोल अलग होते हैं, ड्रीम्स अलग होते हैं, टारगेट अलग होते हैं। गोल क्या होता है हमारा, बहुत बड़ा हो सकता है, 3-4-5 साल में हमने यहां पहुंचना है। ड्रीम क्या होता है, उससे भी आगे का हो सकता है कि 10 साल में मेरे पास एक बंगलो विला बीच हाउस व्हाटएवर यहां पे जो भी चलता है ऐसा हो, फरारी हो लैम्बर्गिनी हो या व्हाटएवर स्पोर्ट्स कार। गोल हो गया कि 5 साल में मैंने सोरिंग मैनेजर बनना है, सफायर मैनेजर बनना है या डायमंड बनना है। बट टारगेट क्या होता है हमें पता ही नहीं है। कई बार टारगेट बहुत छोटा डे वाइज भी बना सकते हैं कि 5 दिन का टारगेट ये है कि आज मैं डेली इतने कॉल करूंगा, इतने लोगों को इनवाइट करूंगा और इतने प्लान दूंगा, 5 दिन में टोटल इतना आना चाहिए, ये है टारगेट। गोल आप मेजर नहीं कर सकते, आपने गोल बना लिया 5 साल के बाद सोरिंग मैनेजर बनना, मेजर कब करोगे आप उसको। इफ देयर इज नो क्रॉस चेक, इफ देयर इज नो मेजरिंग, यू विल नेवर बी एबल टू रीच एनी टारगेट इन एनी फील्ड, नॉट इन FLP ओनली, किसी फील्ड में आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आपका गोल, आपका टारगेट जो है, टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए मेजरेबल। तो मेजर कैसे कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कीजिए, मैं दिन में 10 फोन करूंगा, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं इस सिटी में अननोन हूं बट मैं अभी सर को मिलूं और बोलूं सर आप अपने मोबाइल में से 10 फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है उसने मिलना है, कोई अपॉर्चुनिटी दिखानी है उसने या प्रोडक्ट शेयर करने, तो मैं आपका नंबर दे रहा हूं। 2 मिनट की बात के बाद मेरे पास 10 नंबर है, उन 10 को मैं फोन करके रेफरेंस लेके मैं उनसे मिल सकता हूं और बिजनेस जनरेट कर सकता हूं, राइट। बट उसके लिए टारगेट मेरा होगा तभी करूंगा ना कि मैंने 10 कॉन्टैक्ट लेने हैं। तो आपका डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, शुड बी लाइक, मतलब 10 कॉन्टैक्ट या 15 या 20। आपने बना लिया 10 कॉन्टैक्ट तो अब डेली आप 10 कॉल करोगे, 10 कॉल है तो थोड़ा काम, बट 5वें दिन यू विल रियलाइज कि आपने 50 लोगों को कांटेक्ट में आप लेके आए, 50 लोगों को आपने फॉलो किया, 50 में से अगर 5 भी शुरू हो गए ना, 5ों मैनेजर बन गए, यू आर सोरिंग मैनेजर। थैंक यू। प्लस यू कैन मेजर, आपने डिसाइड किया था 10 लोग, 5वें दिन यू कैन चेक कि आपने 10 बोला था 50 होना चाहिए था, टोटल आ रहा 30, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों 30 आया, यू विल रियलाइज कि मैंने एक दिन अपने फ्रेंड के साथ चला गया था, बीच पे घूमते रहे, सारा दिन वहीं खत्म हो गया, ओ हो। दूसरे दिन मैं यहां चला गया, वो काम करते रहे, वहां मेरा टाइम खत्म हो गया। यू विल रियलाइज ऑन द 5th डे इटसेल्फ कि मैं अपना टाइम इस फ्रेंड के साथ वेस्ट कर लेता हूं, या ये वाली मेरी जो डाउनलाइन है ये काम नहीं करना चाहती बट मेरा टाइम पूरा दिन खराब कर देती है। आप उसको क्रॉस मार सकते हो, उससे 1000 टाइम बेटर लोग इस इंडस्ट्री में घूम रहे हैं जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए, जिनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, सिर्फ आपको उनको कांटेक्ट करना है, उन तक पहुंचना है। हम ये काम नहीं करते क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है, हम कहीं पे भी बैठ के अपना पूरा दिन खत्म कर देते हैं। हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कोई शेड्यूल नहीं है,
हमारा कोई टारगेट नहीं है। जब टारगेट बन गया, हर फिफ्थ डे, हर वीक या हर 10 दिन के बाद आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जब आप एनालाइज करते हैं तभी आप अपने आप को चेंज और इंप्रूव कर पाते हैं, राइट? तो जरूरी है। अब हम आगे टारगेट कैसे बना सकते हैं अपना या अपनी टीम का, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस डेट तक हमने एएस बनना है। अगर वो डिसाइडेड नहीं है तो आप देखोगे कई बार कुछ लोग एक साल से एएस नहीं बने क्योंकि कोई टारगेट नहीं है। तो टारगेट आपने बनाना है, इस डेट को एएस बनना है, इस डेट तक सुपरवाइजर बनना है, इस डेट तक एएम बनना है। अगर आपने लिखा हुआ है ना तो अपने आप आपको अंदर से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे कि मैंने यहां पहुंचना है, मैंने ये करना है, 2 CC करने, 25 CC करने, और 25 CC ऐसे नहीं होंगे। ब्रेन अपने आप दौड़ाएगा कि 25 CC कैसे होंगे, मेरे को कम से कम 15-20 बंदे चाहिए जो एक 2-2 CC करें। तो 15 बंदे कहां से आएंगे, मैं उस फ्रेंड को कॉल करता हूं, इसको कॉल करता हूं, वो बैंक वाला मेरे पास आया था उसी को बता देता हूं, ये एक और फ्रेंड आ रहा मेरा इसको बात करके देखता हूं मैं। तो 25 बंदे हो गए, सबने एक एक सीसी कर दिया सुपरवाइजर। फिर हमारा टारगेट लिखा हुआ है इस डेट को एएम बनना, और वो कहां लिखा होना चाहिए, रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लैपटॉप में, कोई पेपर जो भी आप यूज करते हो, जहां पे भी यूज करते हो, जहां आप बैठते हो वहां लगा होना चाहिए, ताकि आप उसको देखें, आप उसको रियलाइज कर पाए कि मेरा टारगेट तो ये है। जब टारगेट रिटर्न में होता है बहुत ज्यादा पावर होती है उसमें, वो हमें खींचता है अपनी तरफ, रास्ता खुद बनता है, हमें गाइडेंस अंदर से ही मिल जाती है, अपने आप आइडियाज आते हैं कि मैं किसको कॉल कर दूं। कई बार किसी का फोन आता है ना कि सर आपको ये चीज चाहिए, वाटर फिल्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए तो नहीं होता, मैं कहता हूं हाँ चाहिए, बट मेरे पास जो आपका बेस्ट सेल्समैन होगा ना वो भेजना। वो कहते हैं क्या मतलब, मैं कहता हूं मेरा ना बहुत बड़ा घर है तो काफी यूज होंगे वाटर फिल्टर, 3-4-5 लग सकते हैं, तो जो आपका बेस्ट सेल्समैन है वो भेजना मेरे पास, जिसको पूरी नॉलेज हो। वो कहते हैं ओके, और जब वो खूब नॉलेज वाला एक फर्स्ट क्लास बंदा सूट वूट पहन के आता है, फिर मैं उसको फॉरएवर का प्लान देता हूं, वो वहीं का वहीं रह जाता है फिर वो। सो रीजन वही कि मेरे को नजर आ रहा होता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, और उस टारगेट के लिए मेरे को कितनी और नई पब्लिक चाहिए, कितने और चेहरे मेरे पास नए आने चाहिए। तो नए चेहरे कहां से आएंगे, मे बी इस फोन कॉल से ही आ जाए, तो मैं उसको यूज करता हूं। बट अगर मेरा टारगेट नहीं होगा तो हो सकता है मैं फोन पे बोलूं नहीं नहीं चाहिए, राइट? टारगेट, वो टारगेट आपको अंदर से बहुत कुछ देता है, बहुत सारी चीजें आपको गाइड करता है ऑटोमेटिकली। तो सारे हमारे टारगेट जो है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, वो सारे डेट वाइज हमने बनाने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम उससे 2 महीने पहले अचीव कर लें या 3-5 महीने लेट अचीव कर लें, बट एटलीस्ट अचीव तो करेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा आप अक्टूबर में मैनेजर बने या दिसंबर में बन गए या फैब में बन गए, बात यह है कि हम बन गए, हम पहुंच गए, राइट? पहुंचना इज मोर इंपॉर्टेंट, बनना मोर इंपॉर्टेंट है, मंथ से डेट से फर्क नहीं पड़ेगा, बट टारगेट एक गाइड होता है। मान लीजिए मैं 5 महीने का मैंने लिखा हुआ था मैंने एएम बनना, 5वां महीना आ गया मैं सुपरवाइजर हूं, तो आपको लगता है क्या उस स्लिप का कोई फायदा नहीं है? उसका बहुत फायदा है। जब मैं 5th month देखूंगा कि यहां लिखा हुआ है मेरे को एएम बनना था बट आई एम सुपरवाइजर, एकदम से शॉक लगेगा उसको देखते कि मैं पीछे हूं, तो पीछे मैं एकदम से एनालाइज करूंगा मैं पीछे क्यों हूं, प्लस मैं क्या कर सकता हूं, मेरी टीम में कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से बढ़िया लोग हैं, कौन से लोग 4 CC 5 CC कर रहे हैं। जो 4-5 CC कर रहा है ही कैन डू 40 CC, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको हेल्प की जरूरत है। मैं उसके पास पहुंचूंगा कि सर आप कैसे करते हो 5 CC, वो बताएगा मैं इनको प्रोडक्ट दे रहा हूं, इनको दे रहा हूं, ये मेरा फ्रेंड है, ये 1.5 CC करता, 2 CC करता, उसके नीचे 5 फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मैं मिलूंगा, उन सबको ट्रेनिंग में लाऊंगा, सिस्टम में लाऊंगा, उनके टारगेट बनाऊंगा कि आप 2 CC कीजिए, आप 4 CC कीजिए, 5 CC कीजिए। जब वो सब 4-4, 5-5 CC करेंगे तो 100 CC जनरेट हो जाएंगे विद इन 1 month, राइट? सो टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट, टारगेट, सो टारगेट जो है हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब शॉर्टकमिंग क्या होती है, सबसे जो बड़ी शॉर्टकमिंग होती है ना, वो पहली चीज ट्रेनिंग। जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी जॉब में होते हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी होती है, तो उनका पहला वर्ड यही होता है, आपको अगर फॉरएवर को करना है तो पहली चीज है ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग आप लेंगे, चेंज होंगे, इंप्रूव होंगे, फिर आप किसी को बता पाएंगे। तो पहली शॉर्टकमिंग हम में,
अगर हम में नहीं है तो टीम में होती है। टीम में शॉर्टकमिंग अगर ये है और हम सोच रहे हैं टीम ग्रो हो जाएगी, नहीं ग्रो होगी, तो पहली चीज जो हमने दूर करनी है वो क्या है, हमने ट्रेनिंग्स इंप्रूव करनी है। टीम में चेक करना है कौन कौन से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो ट्रेनिंग नहीं ले रहा वो एक नेगेटिव बिजनेस डेवलप कर रहा है। विदाउट ट्रेनिंग क्या बिजनेस डेवलप कर रहा वो, मे बी हो सकता है 2 CC कर रहा, 5 कर रहा है, 25 कर रहा, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि वो विदाउट ट्रेनिंग कर रहा है, वो सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएगा, आगे उसको चला नहीं पाएगा, तो उसका रिजल्ट बहुत मजेदार नहीं आने वाला। उसकी बजाय अगर एक आदमी आपके पास है जो 2-3 महीने से ट्रेनिंग ले रहा, उसके सीसी हो सकता आधा सीसी होता हो हर महीने, बट आई एम टेलिंग यू ही मे बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हियर, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा, थैंक यू, वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो डेवलप हो रहा है डे बाय डे, बड़ी सारी चीजें सीख रहा है, और वही चीजें वो अपनी टीम के ऊपर बाद में अप्लाई करेगा, जब उसकी टीम बनेगी एज ए ग्रेट लीडर वो उनको हैंडल कर पाएगा। सो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रेनिंग ले ली हम सब ने, अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ट्रेनिंग लो ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग ही लेते रहते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ही लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक वर्ड जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंपल एक्शन भी नहीं है, मैसिव एक्शन प्लान बना होना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग्स में भी आते हैं ये वर्ड, एक जबरदस्त एक्शन की जरूरत है। ट्रेनिंग्स ले ली, हम सीख गए, सब कुछ हो गया, अब सचिन ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले ली बट वो घर पे बैठा हुआ है, घर पे प्रैक्टिस ही कर रहा है, तो हमें पता होगा हु इज सचिन, नहीं ना? तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग लेते हैं, सालों ट्रेनिंग लेते हैं, बट लास्ट में फील्ड में आते हैं, वहां करते हैं असली काम। तो हमें ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, फील्ड में एक्शन, कॉलिंग, फॉलो अप, प्लान, और ये सब कुछ पर्सनली हमें करना है। जितने कम प्लान दिखाएंगे उतना कम चेक, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा फॉलो अप करेंगे उतना बड़ा चेक। तो डिसाइड आपने करना है कि आपने प्लान कितने दिखाने, फॉलो अप कितना करना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कई लोग दिन में एक फॉलो अप करते हैं, एक प्लान दिखाते हैं, कई 5 दिखाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अंदर फायर कितनी है, हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं, हमने गोल क्या बनाया हुआ लाइफ का, हम पहुंचना कहां चाहते हैं। कोई आदमी कहीं पहुंचना नहीं चाहता तो वो एक प्लान दे रहा बहुत है, बट एक आदमी ने बहुत बड़ी मंजिल बनाई है तो 5 भी कम है, 10 प्लान दे सकते हैं आप, होम मीटिंग कर सकते हैं। सबसे जो मेरे को लगता है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो होम मीटिंग का होता है, और उसका कोई टाइम नहीं है। मैंने टीम को क्लियरली बोला हुआ है आपको जो टाइम चाहिए आप मेरे को बोलो, सुबह 5 बजे आई विल बी देयर, आप बोलो रात को 10 बजे आई विल बी देयर, आप बताइए कहाँ होम मीटिंग कब करनी, क्लियर? होम मीटिंग हम करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ चाहिए नहीं होता, नो इंफ्रास्ट्रक्चर नथिंग। एक फ्रेंड ज्वाइन हुआ, उसको हम बोलते हैं कि आप अपने 10 फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लीजिए अपने घर, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। वहां हम पहुंचेंगे, हम ही उसको गाइड करेंगे, हम ही अपने प्रोडक्ट्स का डेमो करेंगे, 2 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे में A to Z सब क्लियर। 10 लोग आए, उनमें से अगर एक भी काम करना चाहता है तो वो आप अपने आप आगे 10-10 लोगों को लाता रहेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा, राइट? हमें सिंपल काम करना है, एक्शन करना है, सीख लें, ट्रेनिंग ले लें, एक्शन ना लें कुछ नहीं होगा। सो ट्रेनिंग प्लस एक्शन, ट्रेनिंग भी लगातार लेना, इंप्रूव करते रहना, चेंज करते रहना। कभी ये नहीं सोचना मुझे सब आता है, जिस दिन जिस इंसान ने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है, दैट इज द डे व्हेन ही स्टार्ट डीग्रोइंग, डीग्रोथ शुरू हो जाती है, पतन शुरू हो जाता है उसके बाद हमारा, उसके बाद हम ग्रो नहीं होते लाइफ में। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, पीपल लाइक रतन टाटा, वो लोग आज भी मतलब पूरी कायनात के ही मालिक मैं तो कहता हूं उनको, फिर भी वो लर्निंग मोड में। मैं रेक्स सर को सुनता हूं, वो कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे गया, वहां मैंने फला एम्प्लॉय से ये सीखा, पूरी दुनिया के मालिक हैं एक तरह से, और वो आज भी सीखते हैं। तो अगर वो लर्निंग मोड में, तो हमें कितने लर्निंग मोड में रहना चाहिए। ईगो कभी नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। ट्रेनिंग प्लस एक्शन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। मैं कल भी बता रहा था चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को होते हैं, पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, पर्सनल हमारा जैसा बैकग्राउंड है उससे भी हो सकते हैं, कई लोगों को पैसे का चैलेंज हो सकता है या पता नहीं क्या क्या, रिसोर्सेज कम है। बट मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको जितना बड़ा चैलेंज है ना, खासकर पैसे का,
वो उतना ज्यादा पैसा यहां पे कमा सकता है. एडवर्सिटी कॉज सम मैन टू ब्रेक एंड एडवर्सिटी कॉज सम मैन टू ब्रेक रिकॉर्ड्स. बुरे हालात या तो आदमी को तोड़ देते हैं या बुरे हालात में आदमी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं. हमने क्या करना है? रिकॉर्ड तोड़ने हैं. तोड़ने हैं जी रिकॉर्ड. तो बोलिए एक बार जोर से कि हम सब ने रिकॉर्ड तोड़ने हैं. क्या बात है, मजा आ गया. ग्रेट, आप सब बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को. सो हमने हमेशा याद रखना है, जब भी टफ टाइम आए, परेशानियां आए, या जिनको चैलेंजेस हैं, कोई भी चैलेंजेस, मनी प्रॉब्लम, पीछे फैमिली बैकग्राउंड, जो भी प्रॉब्लम, तो हमने उल्टा करना है. उन प्रॉब्लम्स को ही तो हमने खत्म करना है. हमने लड़ के उस टाइम को, जो चैलेंजेस हैं हमारे पास, पैसा नहीं है, वो नहीं है, वो तो नहीं है, वैसे चलते रहेंगे तो पैसा तो आने वाला ही नहीं है. जो हम कर रहे थे पहले वही करते रहेंगे तो फिर वही रहेगा जो है हमारे पास. तो हमारे पास क्या है? चैलेंजेस. अगर उससे बाहर निकलना है, अगर उन चीजों को खत्म करना है, उस टफ लाइफ को या पैसे की कमी को खत्म करना है, तो कुछ अलग करना होगा जो हमने पास्ट में नहीं किया था, जो हमारे पेरेंट्स ने या बुजुर्गों ने नहीं किया था. तो क्या करना है? हमने सॉलिड एक्शन. ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है. थैंक्स टू FLP, थैंक्स टू FLP इंडियाज मैनेजमेंट, थैंक्स टू उभी सर, जो ट्रेनिंग 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 बनाते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं. बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इसके लिए. मैं चाहता हूं सब एक बार उभी सर के लिए, पूरे स्टाफ के लिए जोरदार क्लैपिंग करें. थैंक यू. सारी चीजें आपके पास हैं, एक ही पर्सन है जिसको एक्शन लेना है, वो है हम. क्योंकि हमने अपना पास चेंज करना है, तो वो एक्शन छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस फोर्स में होना चाहिए. ये नहीं कि एक दिन 10 प्लान और फिर 10 दिन गायब, 10 दिन हम बीच पे घूम रहे हैं या कहीं और वेकेशंस पे निकले हुए. हमें वो एक्शन कंटिन्यू करना है. प्रॉब्लम ज्यादातर मैं ये देखता हूं, कुछ लोग एक महीना काम करते हैं, कुछ लोग डेढ़ महीना, कुछ तीन महीने. तीन महीने में रिजल्ट आना शुरू होता है, काम चलना शुरू होता है, टीम पॉजिटिव होना शुरू होती है, और चौथे महीने हम वेकेशन पे चले जाते हैं या बिजनेस से गायब हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में और हम कहते हैं जी अभी प्रॉब्लम चल रही है, टीम आप अपने आप आते जाते रहो, देख लो आई एम बिजी. टीम कहती है कि इफ ही इज बिजी, इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड, व्हाई शुड आई गो देयर एंड वेस्ट माय टाइम. वो भी आना छोड़ देते हैं. फिर हम कहते हैं जी टीम नहीं बनी, टीम नहीं चली. तो एक ही चीज है, जो एक्शन है ना, इट हैज टू बी कंटिन्यूस विद मोर एंड मोर पावर, विद इंक्रीजिंग फोर्स. आज जो हमने शुरू किया ना, कल इससे बेटर होना चाहिए. आज तीन प्लान दिए, कल चार, फिर पांच, फिर सात, फिर सारी टीम में आगे आगे इतने प्लान होने चाहिए. उस फोर्स से जब हम चलेंगे तो बिजनेस बढ़ता ही जाएगा. और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हाईली पॉजिटिव थॉट्स. कितने पैसे लगते हैं पॉजिटिव सोचने में? हाँ जी, फ्री सोचेंगे आज के बाद बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव. क्योंकि अगर आप छोटा सोचेंगे या बड़ा सोचेंगे, दोनों में लगना कुछ नहीं है, बट आप खुद सोच सकते हैं कि छोटा सोचने पे क्या मिलेगा जी, बड़ा सोचने पे क्या मिलेगा, तो क्या सोचेंगे? क्या बात है, ग्रेट. मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है ना लाइफ में, दैट इज एनकरेजमेंट. आपको अगर कोई भी पर्सन एनकरेज करता है, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट इन योर लाइफ विच यू कैन गेट. तो एनकरेजमेंट FLP में मिलती है बहुत ज्यादा. कोई भी ट्रेनर आएगा, मैनेजर आएगा, उसकी एज चाहे कुछ भी हो, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है. दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म. तो जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है ना, उसको एनकैश करें, उसको यूज करें, बिजनेस में डालें उसको. ये नहीं कि एनकरेजमेंट ली, सीखा, घर पे जाके सो गए. यहां आना शुरू करें, सिस्टम बनाएं, उनको फॉलो करें, अपने आप को सिस्टम में ढाल दें. इतने बजे मैं वहीं पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा, इतनी ज्वाइनिंग्स मैंने करनी है. आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि मैंने आज सोच लिया था 5 कॉल्स मैंने करनी है और अभी 2 हुई हैं. मैं 90% टारगेट और चैलेंज लेके करता हूं, और मैं अपना चैलेंज अपने तक नहीं रखता, चैलेंज भी बहुत बड़ा लेता हूं और अपनी जो डाउन लाइन्स हैं उनके सामने खोलता हूं कि मैंने ये सोचा आज मैं 2 फॉर्म भर के लाऊंगा. अपनी टीम के सामने जब मैं बोलता हूं
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉर्म भरे जाए, बट मेरे अंदर फिर बहुत बड़ी एक स्ट्रगल चल रही होती है कि टीम के सामने कमिट किया कि दो फॉर्म भर के लाने, उनके सामने डिपॉजिट करने आरडीओ में, चैलेंज खड़ा हो गया। दो फॉर्म भरने के लिए हो सकता है 10 लोगों को मिलना पड़े, बिजी भी बहुत हूँ, टीम भी संभालनी है, ट्रेनिंग्स देता हूँ बहुत सारी, बहुत कुछ करता हूँ, तो वो चैलेंज लेके, क्योंकि टीम को मुंह दिखाना है शाम को, तो फिर दौड़ना पड़ता, तो फिर मैं वो फॉर्म भरता हूँ और फिर नेक्स्ट ईयर मैं दिखाता हूँ, आपको याद है उस दिन चैलेंज लेके मैंने इतने फॉर्म भरे थे, नाउ ही इज मिस्टर सो एंड सो, ही हैज क्लियर्ड सुपरवाइजर या एएम या व्हाटएवर। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने आपके सामने एक चैलेंज लिया। तो चैलेंज लेना और उसके ऊपर एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम अपने आप को चैलेंज नहीं देते कई बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है ना, वो इस लाइन में छुपी हुई है। क्लियर हो गई है कि हम बुरे हालात में क्या कर देंगे? उल्टा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बुरे हालात को हम बहुत अच्छे हालात बना देंगे। हम ऐसा काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी लगन से काम करेंगे, और काम जब हम करेंगे तो परेशानियां आएंगी, डोंट वरी, चैलेंजेस आएंगे, क्रॉस करके हम उनको आगे निकल सकते हैं। हम में दम होना चाहिए, स्टैंड लेना होता है, हमें खड़े रहना होता है। जो भी टॉप पोजीशन है इंडस्ट्री में, यू नेम एनी टॉप बिजनेसमैन, वो किसने संभाली हुई है पता आपको? कई बार हम अपने आप में फील करते हैं कि मे बी मेरा लेवल ये नहीं है। कई लोग बोलते हैं अच्छा फलां का चेक कितना है, पर मैं तो ज्यादा ये नहीं हूं, मेरा लेवल ये नहीं है, का लेवल ये नहीं है, मेरी एजुकेशन ऐसी नहीं है, मेरी एज ऐसी नहीं है, मेरा जेंडर ये नहीं है। कई बार लेडीज कहती हैं जी जेंट्स कर सकते हैं, जेंट्स कहते हैं अच्छा वो लेडीज कर सकती हैं। फॉरेन में आप चले जाइए, लेडीज बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं, जापान का बिजनेस बहुत ज्यादा रहता है, रैंकिंग पता है जी उनकी कहां रहती है? वहां आप चेक कीजिए, आपको अराउंड 85% प्लस लेडीज मिलेंगी। तो इस बिजनेस को अगर आप इंटरनेशनली देखते हैं तो इसमें कोई भी चीज मैटर नहीं करती, इसमें एक ही चीज मैटर करती है कि काम करने वाले की सोच क्या है, वो किस लगन से, कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ इस काम को कर रहा है, एक ही चीज मैटर करती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया की बात नहीं करता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरा वर्ल्ड जानता है उनको। कभी आपने पढ़ा कि उनके पास पेन भी नहीं होता था लिखने के लिए? पता जी वो किससे लिखते रहे? चारकोल से, मोमबत्ती में पढ़ते रहे, उनके पास लाइट भी नहीं थी पढ़ने के लिए। इफ फ्रॉम दैट कंडीशन पर्सन कैन चेंज हिज लाइफ टू सच ए पोजिशन दैट नाउ द होल वर्ल्ड इवन सल्यूट्स हिम, पूरा वर्ल्ड उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि आप उनकी वीडियोज देख सकते हैं, जो वो फॉरन किसी असेंबली में जाते थे, बैठते थे, वो वीडियोज निकाल के देखिए कैसे पूरा वर्ल्ड उनको रिस्पेक्ट देता था। मैंने उनकी वीडियो सुनी हुई है कि जहां फॉरन में उनको कोई अम्बेसडर फॉरन के थे, वो कह रहे थे कि वो पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसे वर्ड्स किसी ने यूज नहीं किए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूज कर रहे थे। अंबानी की बात करें, धीरू भाई अंबानी जी, बहुत सिंपल, बहुत टफ टाइम, मूवी भी आई थी उनके ऊपर, देखी जी वो मूवी, देखा उनमें कैसा वो एक्सपीरियंस दिखाया हुआ, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो उससे भी टफ होगा, प्रैक्टिकल लाइफ कितनी टफ रही होगी उससे पीछे। तो अगर वो इस पोजीशन से आज इस पोजीशन में आ सकते हैं कि उनका घर जो है दुनिया का सबसे महंगा घर है, पूरी जनरेशन की लाइफ चेंज कर दी। बिल गेट्स बहुत सिंपल पर्सन थे, इवन सचिन तेंदुलकर, आप उनका रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी एजुकेशन एंड ऑल कई लोगों को पता होगा, 10th में वो क्या थे, कैसे थे एंड ऑल। तो वो सारे पर्सन जो बिल्कुल नॉर्मल थे, इवन मे बी बिलो एवरेज थे, आज वो इंडस्ट्री में टॉप पे हैं, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? हम अपने आप को क्यों कई बार सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते? अगर ये सब कर सकते हैं, आई एम 100% श्योर, नॉट 100%, 1000% श्योर कि हम इनसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास FLP है। थैंक यू जी। इनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ी, बनानी पड़ी, हमारे पास तो बनी बनाई FLP है, बना बनाया ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर खड़े हुए हैं। ट्रैक पे दौड़ना कैसे है, कितना जोर लगाना है, वो सब यहां से सीखना है और फिर दौड़ना है, एक्शन लेना है। तो एक्शन लेना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जब दौड़ेंगे तब वो रिबन तक पहुंच जाएंगे। कोई थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, कोई थोड़ा लेट पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है
कि हमने वहां तक पहुंचना है, अपनी लाइफ चेंज करनी, इस समाज की लाइफ चेंज करनी। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, कितने लोगों को हम करियर दे रहे हैं, बट हमें पता नहीं है। इस इंडस्ट्री की पॉजिटिव चीजों को आप अंडरस्टैंड कीजिए, फॉरएवर के जो बेसिक्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स लीजिए। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम असल में फॉरएवर में क्या कर रहे हैं। हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, कौन कौन एग्रीड है इस बात से कि हम लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं? वाओ, सभी लोग, तो फिर तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। वाओ, इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसको दबा के प्रमोट करते हैं। जब दबा के प्रमोट करेंगे तो बहुत ज्यादा सेल होगा, मार्केट कवर होगी, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ नए नए ज्वाइन होंगे, नए नए चेहरे आएंगे, उनके एम्बिशंस हमारे से बड़े हो सकते हैं, उनके टारगेट हमारे से बड़े हो सकते हैं। एक पर्सन हमारी टीम में आता है वो डायमंड बन जाता है, तो आप इमेजिन कीजिए आपका चेक कहां पहुंच जाएगा, राइट? सो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके, बहुत क्लियर फोकस, विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए फॉरएवर में हमने कहां पहुंचना है, और हमेशा एथिकल बिजनेस, कंपनी जो सिस्टम है उनको फॉलो करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो होती है तो आप ग्रो होते हैं, ये पहला रूल है जो हमें एमबीए में सिखाया गया था। आप कहीं पे भी काम करें, पोस्ट आपकी कुछ भी हो सकती है, आप मैनेजर से लेके वाइस प्रेसिडेंट, एमडी कुछ भी बन सकते हैं उस कंपनी में, कुछ भी हो सकता है। बट एक ही चीज होनी चाहिए कि आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप सेल्स मैनेजर हैं या मैनेजर हैं या जोनल हेड हैं या कुछ भी हैं या ट्रेनर हैं, आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि अगर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फैल रही है, बढ़ रही है, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, होगी। तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? उस कंपनी के बढ़ने से। तो आपका एक्शन यहां पे कैसा होना चाहिए? आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे फॉरएवर का बिजनेस बढ़े, फॉरएवर की रेपुटेशन बढ़े। आप वो काम करें, ऐसे करें जिससे फॉरएवर का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाए। मैं जब से फॉरएवर में हूं, मैंने एक ही चीज को अंडरस्टैंड किया, एक ही चीज को मैंने फॉलो किया, एक ही चीज के ऊपर मेरा फोकस रहता है। टीम को भी यही ट्रेनिंग करता हूं कि हमने बिजनेस को ऐसे डेवलप करना है जिससे हमारी रेपुटेशन जो है कंपनी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाए। आज हम कहते हैं कई बार कि लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, आना नहीं चाहते, हमने उल्टा कर देना, रेपुटेशन वहां ले जानी है कि लोग खुद सोच के आए कि यस, हमने ये कंपनी ज्वाइन करनी है, हम चूज करें कि अच्छा चलो ठीक है, आपका फॉर्म हम भर देते हैं, चलिए आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको हम ट्रेनिंग देंगे। हमने उस लेवल पे पहुंचना है, बट वो कैसे पॉसिबल होगा? जब हम डिसाइड करेंगे कि हम फॉरएवर को आगे कैसे बढ़ाएं, अपनी टीम को राइट कल्चर, जब तक हम कल्चर नहीं सिखाएंगे, अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे, तो बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा। अच्छी चीजें सिखाएंगे, कल्चर चेंज होगा, सिस्टम चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी, आस पड़ोस के लोग जो हैं उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। हम तो अपनी लाइफ की परवाह कर रहे हैं, हम हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर देंगे। रेक्स सर ने अपनी लाइफ चेंज नहीं की, कितने लोगों की लाइफ चेंज किया जी उन्होंने। हम क्या हम अपने रियल ब्रदर सिस्टर को एक ट्रिप देते हैं फ्री में? कोई लकी पर्सन होगा जिसको ऐसा ट्रिप किसी के भाई ने या किसी ने दिया हो कि 50,000 रुपए लो जी गोवा घूम के आओ, होता है ऐसा? नो। बट रेक्स सर अभी लंदन में अराउंड 30,000 लोगों को कितना रॉयल लेविश ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, अभी सिंगापुर कितना रॉयल ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। तो वो एक आदमी की लाइफ चेंज नहीं करते, वो करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज किए जा रहे हैं। ऐसे हमने बहुत मेहनत करनी है, बहुत बड़ा सोचना है, बहुत ज्यादा बड़ा। हम कई बार सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने से आगे निकलिए, लोगों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसके सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसकी ग्रोथ को फॉलो करते हैं, तो आपकी ग्रोथ जो है वो निश्चित है, वो तय है, और आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा होती है। मैनेजमेंट में हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, हमेशा कंपनी की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, कि आपका हर एक्शन वो होना चाहिए जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़े, जिससे उसकी ग्रोथ बढ़े। ये दो काम होंगे तो आप मैनेजर नहीं रहेंगे, आप सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर या जो भी है, आपकी ग्रोथ होगी। तो फॉरएवर में भी अगर हम ये सोचें कि हमारा हर एक्शन वो होना चाहिए जिससे फॉरएवर का नाम, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाए, उसका बिजनेस बढ़ता जाए, तो फिर फॉरएवर ग्रो होगी बहुत ज्यादा, और आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रो होंगे। हमें सबकी हेल्प करनी है, कभी नहीं देखना कौन है, जो भी हमारे पास खड़ा है उसको हमने गाइड करना है, उसकी हेल्प करनी है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमें देख रहा होता है, तो वो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको फल लगाता है। तो भगवान जो फल देता है वो आप या मेरे बस का नहीं है, वो बहुत ज्यादा बड़ा फल होता है, हमारी सोच से भी बहुत
ज्यादा होता है, तो हमें तगड़े होके मेहनत करनी, आगे बढ़ना। ड्रेसअप मैं कल भी बता रहा था, बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपका ड्रेसअप। कई बार सिर्फ गलत ड्रेसअप जो है उसकी वजह से बहुत अच्छे पर्सन, प्रॉस्पेक्ट, आने वाले डायमंड हम लूज कर जाते हैं। एक पर्सन जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता था, वो आपके कपड़े देख के या पुराने खराब शूज देख के वो छोड़ देता। खाली चीजें नई नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत कुछ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह, हर जगह अकेडमीज खुली हुई हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज होते हैं उनके, हफ्ता, 10 दिन 20 दिन, अलग अलग होते हैं, जो भी आपको सूट करता आप ले सकते हैं। बहुत कुछ सिखाते हैं, इतनी छोटी चीजें बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार हम कहते हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ तो कहते हैं कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन के पास गए, बात ही नहीं सुने उसने, या एक MBA के पास, या एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैंकिंग में था बंदा, बड़ा अच्छी डेजिनेशन थी, उसने बात नहीं सुनी मेरी, या सुन के कहता नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसका एक रीजन होता है सबसे जो बड़ा, 90% हमारा ड्रेसअप में कोई ना कोई चेंजेस चाहिए होते हैं। हमारा ड्रेसअप अच्छा नहीं था, हमारे शूज खराब थे, उस बंदे ने एंटर करते, हमारी जो हैबिट है वो साइकी हमारी ये होती है कि हम शूज से एक आदमी को रीड करते हैं। ए मैन इज रेड फ्रॉम हिज शूज, एक पर्सन को शूज से ऊपर की तरफ हम उसकी फिर कपड़े, ड्रेसअप, उसकी टाई, सूट, व्हाटएवर जो भी पहना हुआ है, फिर उसका बैग, पेन, ये हम सब स्टडी कर रहे होते हैं। जब एक पर्सन आपके पास भी आता है ना, आप नोट कीजिएगा, आपके घर पे कोई वोडाफोन का बिल लेने आता है, कुछ भी लेने आता है, तो आप बिल देते हुए उसके शूज देख के कई बार कहते हो बेचारा, राइट? होता ना मन में कि इसके शूज खराब हैं, फटे हुए बेचारे के। अब हम बेचारे बन गए किसी के आगे, हमारे शूज खराब हैं, पॉलिश नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम है, अब वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है कि ये बेचारा। और हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ का चेक आएगा आपको, वो कहता है अच्छा आप कब से ज्वाइंट हो? 2 साल से। वो कहता है तेरे को तो आया नहीं भाई, तेरे तो शूज ठीक नहीं हुआ अभी तक, तेरी तो टाई गलत लग रही है। हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ वेरी बिग चैप्टर, मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ सिखाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन तक कि टाई के साथ शर्ट की मैचिंग कौन सी होनी चाहिए, सॉक्स की कौन सी होनी चाहिए, कौन सी पैंट के साथ कैसे शूज पहनने चाहिए। कई बार हम ब्राउन शूज ब्लैक पैंट के साथ पहन रहे हैं, तो एक जो अच्छे, जो वेल क्वालिफाइड पर्सन होगा वो उस कॉम्बिनेशन से ही नेगेटिव हो जाएगा। वो कहेगा सर आपको तो टाई लगानी नहीं आती है, आपको तो कॉम्बिनेशन ही नहीं पता कौन सी शर्ट के साथ कौन सा क्या पहन रखा आपने, और मुझे बात करो कि हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, तो चेंज करके अपने जैसा बना लोगे? नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज। वो पर्सन अब वो जिस जॉब में है वो वहीं फिट हो जाएगा, वो चेंज हो सकता था, बट अगर आप अट्रैक्टिव नजर आते उसको, आप में अगर कुछ चेंजेस उसको पॉजिटिव नजर आते, तो ये चेंज लाना इज वेरी इजी। बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, ये काम आपको करना है। कंपनी जो हम हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो पहले ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। FLP इंडिया इज द ओनली कंपनी, ओनली प्लेस, ओनली कंट्री जहां इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, जहां इतना लिटरेचर अवेलेबल है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। सो ये छोटे छोटे चेंजेस हमने अपने आप में लाने, अपनी पर्सनैलिटी में लाने, अपने वॉक में, अपनी टॉक में, हर चीज में। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और सबको करने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, छोटा सा एक काम है, इससे खाली बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे। आप किसी मैरिज पार्टी में खड़े हुए हैं, आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो सामने वाला जो पर्सन है हाथ मिलाने से पहले सोचता कि ये क्या बने हुए हैं। वहां आपको इतनी छोटी चीजें सिखा देते हैं कि टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अपने आप को कैरी कैसे करना, हमने वो सब आपने सीख लिया, तो दूर से कई बंदे हाथ मिलाने आते हैं खुद कि आप बड़े चमक रहे हो, क्या करते हो आजकल? तो बस कार्ड निकाल के देना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, क्या करती कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, ये करती है। वो पर्सन आपकी गाड़ी नहीं देखी, आपका बंगला नहीं देखा, बट आपकी एक ही चीज देख सकता है, आपको, आपके ड्रेसअप को, ड्रेसिंग सेंस को, ड्रेसअप को भी नहीं, ड्रेसिंग सेंस को, कि आप में कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे खाते पीते हैं। तो उभी सर वैसे ही बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, मैनेजर रिट्रीट पे, वी आर वेरी लकी जहां ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं।
अदरवाइज लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ऐसे कोर्सेज लेने के लिए, बट यहाँ कंपनी में वो भी सर बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं। एक बुकलेट हमें मिलती है मैनेजर रिट्रीट पे, एक सीडी मिलती है खाना कैसे खाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम खाना खाते हैं और पांच लोग परेशान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कैसे खा रहा है। कई बार हमारे बोलने से लोग परेशान हो रहे होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है। मैं लाइव आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को टीम में किसी ने बताया कि किसी के रूम में बैठा जाके मेरी टीम में से कोई पर्सन बिल्कुल नया था, उसने फॉर्म भरा तो उसके पर्सन के आगे जाके बैठा और बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात कर रहा है, हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, वहाँ हूँ। और वो जो पर्सन है जिसके कैबिन में वो बैठा है वो सोच रहा है अरे कौन आ गया मेरे कैबिन में, मेरे कैबिन में पहुंच के इतना शोर मचा रहा है। तो उसको उसके बाद ट्रीट करेगा, सुनेगा उसको, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने वाली है? नो। तो पहला रूल क्या है, आपको कंट्रोल करना है, आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रेजेंटेशन देने पहुंचे हैं मोबाइल साइलेंट मोड, बात करनी पड़ गई इमरजेंसी में तो आप ऐसे बात कीजिए कि सामने वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या बात की, सॉरी बोल के एक मिनट में बात खत्म कर दीजिए। अब उसके पास गए अपॉइंटमेंट लेके और डेढ़ घंटा यहीं चल रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ वो है वो है, वो बंदा सोचेगा टाइम मेरा लिया आपने, मेरे कैबिन में फोन अपना यूज कर रहे हो आप, तो फोन काटने के बाद वो बोलेगा मैं बिजी हूं मैं यहां जा रहा हूं, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू शो, ईगो उसमें भी है, उसके टाइम की वैल्यू है। तो हमें ये बेसिक जो एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना बिजनेस में। जब भी कहीं पहुंचे वो पर्सन के पास पहुंचे हैं तो हमें ये नहीं शो करना कि बस सब कुछ वहीं पे ही रह जाए। कई लोग कहते हैं सर बंदे ने टाइम दिया, 5 घंटे लगा दिए हमने पूरे, तो दोबारा कभी टाइम नहीं देने वाला, वो 5 घंटे फ्री था ना, तो आपने उसको पता क्या मैसेज दिया कि आप भी वेले हो, आप भी फ्री हो, 5 घंटे वहीं बैठे रहे। आप फ्री भी हो ना तब भी 1.5 घंटे में उसको बोल के निकलो सर एक ना फ्रेंड है बहुत अर्जेंटली वो मेरी वेट कर रहे हैं, उनके पास 5-6 अच्छे सीनियर लेवल के लोग आए हुए हैं वो मेरी वेट कर रहे हैं। उससे उसको भी लगेगा कि ही इज अ बिजी पर्सन, ही इज इनटू रियल बिजनेस, या इसकी भी कहीं वेट हो रही है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे। अदरवाइज वो बोलेगा ये तो वेल है, फ्री है ये तो, 5 घंटे यहीं बैठा रहा। आप उसको पूरे टाइम में शुरू करके टाइम पे खत्म करके निकलना है हमने वहां से। कई बार हम गलती यही करते हैं, इतना लंबा प्लान देते हैं, 2 घंटे उसके ले लेते हैं और वो लास्ट में आप उससे पूछते हैं कैसा लगा, कहता बहुत लंबा प्लान है। तो हमने ये थोड़ी बताना उसको कि ये बहुत लंबा प्लान है, हमने उसको बताना है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे यूज करने हैं, बाकी आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे, बाकी आपको ट्रेनिंग्स में यहां पता चलेगा। फिर उसका इंटरेस्ट बनता है कि हाँ थोड़े में मेरे को समझ आया, अच्छा लगा, तो इतना मैं भी समझा दूंगा। हमने लगाए 3 घंटे, 3 घंटे लगा के कई बंदे कहते हैं कि सर जो आपको बताया ना ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। वो कहता और भी है, कहता सर आपको लगता आप कर लोगे, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है कि अभी इसने कुछ नहीं बताया तो 3-4 घंटे लग गए इसको, तो ये बताएगा तो फिर तो 2-3 दिन लग जाएंगे, तो मैं तो नहीं कर सकता ये काम। तो हमने ऐसे नहीं बताना उसको, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी है चाहे वो फ्री है। हमें अपने आप को पूरा एक शेड्यूल सिस्टम में बनाना है, जितने बजे मीटिंग शुरू होनी है 15-20 मिनट पहले आप वहां पे फ्री खड़े होने चाहिए, चाहे आप उसके घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, बाहर शॉप है मार्केट है, आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क करके रेस्टोरेंट में 10-20 मिनट बैठ जाइए। टाइम पे आप किसी की जब बेल ऑन करते हैं ना तो बंदा एक ही चीज चेक करता है, सबसे जो बेस्ट इंप्रेशन है ना विच यू शुड पुट, जो आपको फॉलो करना है, दैट इज योर टाइम। टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। आप एक बिल्कुल फ्री बंदा बैठा हुआ घर पे, उसके पास भी 10 मिनट लेट पहुंचिए, वो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, बड़ी लेट हो गए? फिर हम झूठ बोलते हैं नहीं पार्किंग नहीं थी, ये नहीं वो नहीं वो, पर हम नेगेटिव कर चुके हैं उस कन्वर्सेशन को। आप उल्टा कीजिए, 1 मिनट पहले शार्प 1 या 2 मिनट पहले बेल कर दीजिए उसकी। वो पहली चीज क्या करता है, 2 बजे बोला था और 2 मिनट पहले पहुंच गया, बड़ा ही पर्टिकुलर है। फिर शुरू कीजिए, वो चाय ऑफर कर रहा है, पानी चाय बिस्किट, बिस्किट कई बिस्किट कहते हैं, अच्छा वाओ। आई एम टेलिंग यू, पहली चीज हमने यही सीखनी, हम वहां बिस्किट खाने नहीं गए, इट इज अ फैक्ट। कई बार लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं, वो कहता और लाऊं, हम वहां बिस्किट खाने नहीं गए, हमारी चाय हो सकता आधी वहीं हम छोड़ दें रह जाए, नो इश्यू, बट हमारा फोकस होना चाहिए एक काम के ऊपर जिसके लिए हम वहां पहुंचे।
हमने एक टाइम में रहते हुए उसको खत्म करना है। कई बार वो भी शुरू करते हैं, मैं ज्यादा बोलने नहीं देता उनको, मैं कहता हूँ सर वो, कई बार वो कहता है अच्छा मंदीप यार तेरे को याद है अपना वो फ्रेंड होता था वो, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं हम उसकी बात करते हैं, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूं। वो फिर टोकता बीच में, फिर कहता हूँ नहीं बस मैं भी तेरे को वही बात करने वाला था, बस ये थोड़ा सा रह गया इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं अपना आप कंप्लीट करके बोलता हूँ उसको कि देख इतने में बस ये बात हो गई, इतना सा बिजनेस है। कहता ओके आई कैन डू इट, इट इज ईजी। बाकी मैं कहता हूँ बाकी भी है थोड़ा बहुत, वो हम मैं मिलूंगा तेरे को, या मैं यहाँ पे हूँ तू वहां आ जा, कल आ जा संडे, वट एवर जो भी सूट करता है हम वहां मिलेंगे, विल डिस्कस। अब बताओ क्या बात कर रहे थे उस फ्रेंड की इस फ्रेंड की, ज्यादा गप्पे नहीं मारने, टाइम उसने टाइम कैलकुलेट करना है कि आप 2 बजे आए थे, काउंट होना है इन से लेके आउट तक का टाइम। तो आप अगर 2 बजे आए, 1 घंटा 1.5 घंटा आपने मीटिंग प्लान कर लिया, 5 मिनट 7 मिनट दोस्तों की बातें कर लो, उसकी कर लो, वो भी करनी चाहिए, इट इज गुड। 10 मिनट में खत्म करके यू शुड बी आउट, चाहे आप फ्री हैं, चाहे आपकी नेक्स्ट कॉल 2 घंटे के गैप पे है। कई बार हम क्या करते हैं, मैं फ्री हूं 2 घंटे के बाद कॉल है, यहीं बैठे हैं। अब वो जो बातें होनी है ना वो सारी नेगेटिव होनी है, वो इधर उधर की बातें फेंकेगा, आप भी उसका जवाब दोगे, फिर उसको रियलाइज होगा कि आप भी वेले हो, फ्री हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, बहुत कुछ है, फिर वो जो प्लान दिया था उसका इंटरेस्ट खत्म। आप वहां से अच्छा यार मैं वहां जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वट एवर, मैं इतने बजे वहां पहुंचना है, ओके आई विल टेक योर लीव, वी विल मीट ऑन दिस दिस डे। आप जैसे वहां से निकलोगे उसके बाद वो रियलाइज करेगा कि मेरा फ्रेंड कितना प्रोफेशनल हो चुका है, पहले में भी ऐसा नहीं था बट टूडे आई फाउंड हिम टोटली डिफरेंट, वो बड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम पे पहुंचा है, टाइम पे वो फ्री होके कहीं जा रहा है, बिजी है, राइट? तो अच्छा इंप्रेशन आएगा। वो आदमी अगर आपके साथ बिजनेस में आएगा, आई एम टेलिंग यू, वो बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस बिल्ड करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी कॉल की रिस्पेक्ट करेगा। कॉल भी लिमिटेड होनी चाहिए, कई बार हम इतने एक्साइटेड होते हैं सुबह से रात तक फोन उस बंदे को करते हैं, फॉलो अप कहा तो कहते हैं जो खूब फॉलो अप करेंगे, खूब भी नहीं करना, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। फॉलो अप मींस अ कॉल, आपने कॉल की नहीं उठाया, बात खत्म। सेकंड कॉल विल इरिटेट हिम, बोलेगा यार फोन नहीं उठाया, फिर से कॉल कर रहा है। और थर्ड कॉल अगर आपने कर दी तो वो परेशान हो जाएगा कि क्या पंगा ले लिया, आपने एक कॉल कर दी दैट्स इट, उसको मैसेज जा चुका है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है आप मैसेज डाल सकते हैं। फिर आपने कॉल करनी है तो 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। 5 मिनट में कर रहे हैं तो वो बंदा बॉस के साथ बैठा हुआ है तो वो फिर एकदम से अंदर से फीलिंग आती है कि यार कहां फंस गए, ये तो पीछे पड़ गया, सामने बॉस बैठा हुआ है या वट एवर। आप उसको कॉल कीजिए 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या इवनिंग में। फॉलो अप लेना है, दिन में 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करनी, नहीं उठाई कल करेंगे, परसों कर लेंगे फॉलो अप। फॉलो अप होना जरूरी है बट इन अ प्रॉपर वे, नेगेटिव नहीं करना हमने बंदे को, बोर नहीं करना, परेशान नहीं करना, राइट? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज मैं इसीलिए कहता हूँ, वहां बहुत सारे एटिकेट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी टिप्स आपको मिलती हैं जो बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक आप अच्छे इंसान के साथ बैठे हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, ब्रांच हेड हैं, रीजनल हेड हैं, तो वो आपकी वो सारी चीजें, क्योंकि उनको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर वेल ट्रेन्ड। हम उनके पास पहुंचे हुए हैं, प्लान तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड के बेस्ट है, बट हम प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी से कुछ चीजों से नेगेटिव हो जाता है। तो वी शुड बी इन प्रॉपर ड्रेसअप, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मैचिंग होनी चाहिए ड्रेसअप के साथ, मतलब वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड बी स्माइलिंग। कई बार हो सकता है कि सुबह आप घर पे उठें, टायर फ्लैट है तो प्रॉब्लम तो शुरू हो चुकी है सुबह, बट वो चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं तो आई शुड बी स्माइलिंग, आई शुड बी हैप्पी, आई शुड ग्रीट यू प्रॉपरली। अब मैं आपको, कई बार हम क्या करते हैं फ्रस्ट्रेशन में, हाथ मिलाते कैसे हो, बहुत परेशान हो यार, सुबह गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर ये हो गया, फिर वहां वो था वो हो गया, बच्चों के स्कूल में ये था वो प्रॉब्लम हो गई। फिर वो कहता है यार ये तो बड़ी टेंशन में, बड़ी प्रॉब्लम में, क्या करते हो? FLP। अच्छा उसकी वजह से प्रॉब्लम है, फिर तो नहीं करूंगा। फिर हम कार्ड निकालते हैं, आप करोगे? वो कहता है देखूंगा, संडे मैं बिजी होता हूं, मैं तो नहीं आऊंगा। फिर हम कहते हैं यार कोई बात ही नहीं सुनता, बात हम सुना कह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसको, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गई,
मैंने ऐसे केसेस देखे, मैं एक जगह पे प्रेजेंटेशन देने गया तो कुछ सामान जो मेरा था, गाड़ी हमने अनलॉक रखी हुई थी बाय चांस, रेस्टोरेंट में बैठे, करनाल की तरफ मैं जा रहा था, बिजनेस में भी नया नया था, तो जब वापस आया गाड़ी में तो बैग वैग वो सब गायब, मेरे को समझ नहीं आ रहा, फटाफट रेस्टोरेंट में आया, मैंने कहा सर यहाँ तो नहीं था, कहते कि नहीं आप अंदर तो लाए ही नहीं, मैंने कहा हाँ मुझे भी याद है गाड़ी में ही था और बाय चांस गाड़ी अनलॉक थी, नो वरी। अब वो चेहरे पे अगर वो शिकन होगी तो जहाँ प्रेजेंटेशन देनी है वो फेल हो जाएगी, तो वहां पहुंच के हमने सारा कुछ वैसे ही कंटिन्यू करके काम निपटा लिया। अगर मैं वहां जाते बोलता कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी दो घंटे उसी के दुखड़े रोते रहते, अच्छा बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आप नेगेटिविटी चेहरे पे कभी नहीं आने देंगे, राइट? अगर ऐसा हम कर लेंगे हम बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हमने करनी है वो यही है कि अपने घर की परेशानियां, अपनी कोई भी परेशानियां शेयर नहीं करनी ऐसे प्रॉस्पेक्ट से। आप उसको शेयर कर रहे हो, मैंने तो खाना ही नहीं खाया हुआ सुबह से, ये है वो है, वहां जाना था वो भी नहीं हुआ मेरा, बोलेगा अच्छा ये तो बड़ी दुखी आत्मा है, इससे दूरी बना के रखो। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें एक मैग्नेट बनना है कि बंदा बोले इसके साथ चलते हैं, इसके जैसा बनना है, इसको चिपक जाते हैं, बनना है जी ऐसा, तो हमें एक पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। थैंक यू। सो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आते हैं वो हम कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी का फेस हैं, तो जब आप जा रहे हैं ना, आपका विजन क्या है, छोटा है बड़ा है, बट फॉर एवर इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी। तो जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी का फेस हैं, आप जो काम कर रहे हैं आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता बट कंपनी को उससे भी ज्यादा इफेक्ट करता है। आप कैसा काम करना चाहेंगे, कैसी रेपुटेशन बनाना चाहेंगे, आपको पता है जनरेशंस के लिए बिजनेस है। मैं मैग्नस को सुन रहा था, उसके गले में हमेशा अराउंड 10,000 सीसी का टैग रहता है, गोल्डन टैग। 10,000 सीसी क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने एफएलपी बिजनेस शुरू किया था। तो वहां से मेरे को एक चीज समझ आई कि एफएलपी इज सो बिग, एफएलपी इज सो ग्रेट, इट इज सो जेनरस, कि अगर मैं मेहनत करता हूँ लगातार करता रहूंगा तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को भी मैं सेम बिजनेस दे सकता हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी, इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि हमें, थैंक यू, कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन का जो है वो भी फ्यूचर हमें मिल चुका है। उन्होंने क्या करना है, किस बिजनेस में कैसे सेटल होना है, वो भी हमारे हाथ में। तो आप अपने बच्चों को कैसा बिजनेस देना चाहेंगे, कैसा मॉडल, कैसी कंपनी का नाम होना चाहिए, जो बिजनेस आपका बच्चा, आप जो उसको गिफ्ट देना चाहते हैं उस कंपनी की रेपुटेशन कैसी होनी चाहिए, बेस्ट, क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग, बेस्ट होनी चाहिए ताकि लोग बोलें कि इनका बेटा एफएलपी में काम करता है। एफएलपी का नाम एक रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। ऐसी चाहते हैं हम मार्केट बनाना, तो उसका फेस कौन है, हम है, तो हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसी पर्सनैलिटी बनानी अपनी, अपनी टॉक, अपना सारे सिस्टम ऐसे बनाने कि हर आदमी को एक ही चीज बोले वो लास्ट में, वो हमारा प्रोडक्ट ले या ना ले, डिस्ट्रीब्यूटर बने या ना बने, बट लास्ट में एक चीज मन में जरूर रखे कि एफएलपी के डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत समझदार होते हैं, बहुत बढ़िया इंसान होते हैं, बड़े दिल से समझाते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी डुप्लीकेट नकली कंपनीज बहुत हैं जो रेपुटेशन MLM इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग की खराब करते हैं। यही तो डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है कि FLP का नाम आते लोगों के मन में एक स्माइल, एक रिस्पेक्ट आए, ओ FLP दैट इज अ वेरी बिग कंपनी, वो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके लोग तो यार बहुत अच्छे से ट्रेंड है, वो तो बड़े ईमानदार हैं, बड़े सिस्टम फॉलो करते हैं। ऐसी बनानी चाहिए हमने रेपुटेशन। जितनी बढ़िया रेपुटेशन होगी उतना बढ़िया हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सेटअप दे के जाएंगे। तो मैं एक ही मैसेज देता हूं सबको, जब भी हम मार्केट में निकलेंगे हमें सबसे पहले ऑनेस्टी फॉलो करनी है, क्योंकि ऑनेस्टी का रिवॉर्ड खाली कंपनी नहीं, वो भगवान भी देता है। जब हम ईमानदारी से, सच्चे दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, उसका रिवॉर्ड जो मिलता है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते दुनिया के किसी फल के साथ। वो सबसे मीठा होता है, सबसे पावरफुल होता है, वो पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देता है। सो पहली चीज जो मेरे को लगता है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है कंपनी एथिक्स। फाइन लाइन बुक पढ़ते हैं हम,
कंपनी पॉलिसी बुक पढ़ते हैं, प्रमोट करते हैं। कंपनी पॉलिसी बुक, फाइन लाइन बुक और अपलाइन बुक। अपलाइन का जो एक एक पेज है ना, उस एक एक पेज की आपने ट्रेनिंग देनी अपनी टीम को, ये आपका काम है। इट इज योर ड्यूटी। इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो बिग इन FLP, द फर्स्ट जॉब यू नीड टू डू इज टू गो थ्रू द अपलाइन बुक एंड देन टीच इट टू योर टीम। एक एक पेज उसका प्रेजेंटेशन है, एक एक पेज पे इतना कुछ है, इतना मटेरियल है। थैंक्स अगेन टू मिस्टर अमरजीत उभी जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए। अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक, शब्द नहीं है। उसके एक पेज में ही पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। एक पेज आप अपनी टीम को रोज टीच कर सकते हैं। तो बुक कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 15-20 दिन में, एक महीने में खत्म कर दीजिए। वो एथिक्स के ऊपर है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये तीन चीजें आप टीम को सिखा दीजिए, आपका बिजनेस इतना जबरदस्त बिल्ड होगा, मार्केट में आपकी टीम की, FLP की इतनी रेपुटेशन होगी कि वो बिजनेस बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, बिजनेस कहाँ नहीं बढ़ता, जहां हम रेपो क्रिएट नहीं कर पाते, हमारी कंपनी की, हमारी टीम की, हमारे FBOs की, जो मार्केट में पब्लिक के साथ डील करते हैं, कस्टमर्स में वो फेथ डेवलप नहीं कर पाते। और कस्टमर कहते हैं ये भी वैसी कंपनी है, फलां कंपनी जैसी, इसके प्रोडक्ट भी वैसे होंगे, क्योंकि उस FBO ने अच्छी रेपो नहीं बनाई, तो उसने हमारा जो इंटरनेशनल इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसको कंपेयर कर दिया मे बी वहां के कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट से। हमें ये नहीं करना, हमने उल्टा करना। हमारे FBO की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट एक ही आदमी की होती है जो अपने एथिक्स के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो हमें टीम को क्या सिखाना चाहिए, जो ग्रोथ की कुंजी है ना, वो फिर हमारे ग्रंथों में दे रखी है। ग्रंथों में क्या पढ़ते हैं हम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से सुनते हैं, घरों में लगा होता है, स्कूल्स में लगा होता है, बट कई बार ये टीम में मिसिंग होता है, क्योंकि हमारा माइंड अच्छा है बट टीम में पता नहीं कैसा पर्सन आ जाए, वो कोई शॉर्टकट चाहता है या कुछ गलत। हमें उस पॉलिसी को भूलना नहीं, उसी टाइम उसको करेक्ट करना। जिसको आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, करेक्ट करेंगे तो सही रास्ता है, तो करेक्ट नहीं करेंगे तो गलत रास्ते पे तो वो चल ही रहा है। तो गलत रास्ते पे चल के गलत बिजनेस डेवलप करके वो बिजनेस डेवलप नहीं करेगा, बिजनेस बना के खराब करने वाला है। यू शुड नो इट कि आफ्टर 6 मंथ्स दैट विल कोलैप्स, और वहां रेपुटेशन खराब होनी है उस FBO की। फिर साथ में अटैच्ड कौन है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, आपकी रेपो खराब होनी है वहां पे। सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, उसी पर्सन को जिसकी टीम में वो एथिक्स नहीं बता पाया। कुछ गलत करते हैं तो भगवान का डर भी होना चाहिए मन में, क्योंकि फल देने वाला वो है, लाइफ चेंज करने वाला वो है। ओपोजिट बहुत अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो फिर भी फल देने वाला कौन है, वही। और वो जब फल देगा तो कभी कोई कंपैरिजन नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, वो आपको आपकी सोच से, आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा फल देता है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कई बार हमें ये फील होता है इन्होंने इतनी मेहनत की इतना कुछ मिला, इन्होंने इतनी की थोड़ा कम मिला, इन्होंने इतनी की इतना मिला। हम कंपैरिजन करके फिर अपने आप को एम्बैरस करते हैं। वो हमारे कर्मों का हिसाब हो सकता है, बट क्या हमें अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए? आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके फल मिलता है तो इसका क्या मतलब मेहनत नहीं करनी चाहिए? मतलब यह है कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करो, और उससे भी बड़ा चेक आप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप मेहनत 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 करते हैं तो ऊपर वाला तथास्तु ही कहना, उसने तो उसकी कृपा हम सबके ऊपर बराबर है। क्लियर है जी? कोई डाउट कि वो किसी के साथ कर सकते हैं भेदभाव? नो, कमी रहती है तो हमारे में। हम अपने एफर्ट्स खुद कम करते हैं, कई बार किसी को देख के कम करते हैं। हमें किसी को नहीं देखना, अगर देखना है किसी को रोल मॉडल बनाना है तो ही नीड्स टू बी द बेस्ट, जो आपकी यहाँ बेस्ट अपलाइन है, जो चाहे आप फॉरन में बना लीजिए किसी को बेस्ट जो आपको लगते हैं, उनको रोल मॉडल बनाइए। रोल मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए जो 3 दिन काम कर रहा है 5 दिन सोया हुआ है। रोल मॉडल वो होना चाहिए जो एक्चुअली एक्टिव रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उससे आप सीखें, उसको आप फॉलो करें। बाकी यहाँ सिस्टम जो है, जो ट्रेनिंग्स हैं, दे आर अनकम्पेरेबल। इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप डाउट करते हैं FLP पे या अपने आप पे,
या हमारे सिस्टम पे, तभी आप डाउट वो आपके चेहरे पे झलकता है, वही सामने वाले पर्सन को नजर आता है और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होता, या ज्वाइन होता है तो आगे नहीं बढ़ता। डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्लियर कीजिए, मन में कुछ विचार हैं, ये नहीं पता वो नहीं पता, पूछिए। एक्टिव अपलाइंस इसीलिए होती हैं, बुक्स इसीलिए होती हैं, बहुत सारी चीजों के आंसर जो आपकी अपलाइन नहीं दे सकती वो आपको नेट पे मिल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्पेसिफिक कि आप सेल कॉल ओपन कर लेते हैं, क्लोज नहीं होती, या क्लोज करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, या ओपन करते हुए प्रॉब्लम आती है, कई लोग कहते हैं जी मैं शुरू हो जाना फिर तो मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं, बट मैं शुरू नहीं हो पाता, मेरे को समझ नहीं आती कि मैं वो बस में एक बंदा साथ बैठा हुआ तो मैं उसको कैसे कार्ड दे दूं। आप नेट पे जाइए ना, हाउ टू ओपन अ कॉल, इतना लिटरेचर, इतना मटेरियल आप पढ़ नहीं सकते पूरी जिंदगी, इतना मटेरियल पढ़ा हुआ है। इट इज वेरी इजी टू एक्सेस नेट नाउडेज, फोन में है हमारे, फोन में हम पता नहीं कितना नेट यूज करते हैं, बट क्या इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं? नो, व्हाट्सएप फेसबुक वी आर यूजिंग एवरीथिंग, बट यहाँ लर्निंग टाइम लगाना पड़ेगा, आंखें लगेंगी, मेहनत लगेगी, बट लगानी चाहिए, करनी चाहिए जी मेहनत, तो थोड़ा वो करें, चेंज करें, लर्न करें, हम सीखें कुछ ना कुछ। और कंपनी की रेपो सबसे पहले रखनी है। मैं कई बार बिजनेस छोड़ के आता हूँ, कई बार मैं एक बॉटल दे सकता हूँ किसी को, मैं नहीं देता, वापिस आ जाता हूँ। मेरे को ये होता कि मैं अगर दूंगा तो पूरे सारे सिस्टम एथिक्स सब फॉलो करके दूंगा, नहीं तो आई डोंट नीड, आई डोंट वांट टू सेल। और मैं कह के आता हूँ कि मैं ऐसे बॉटल तेरे को, कई बार लोग कहते हैं ना कम रेट में दे दो, ये कर दो वो कर दो, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मान लीजिए मेरा घर एक एरिया में है, मेरी टीम एक एरिया में है, मैं वहां एक आदमी को, वो मेरा रिलेटिव है, मेरे अंकल जी हैं, फलां हैं, उनको कम रेट पे दे देता हूँ, तो आपको पता क्या होगा उससे, मैं सबके लिए वो एक नेगेटिव कुआं खोद रहा हूं, जिसमें गिरेंगे कौन, वहां रहते कौन है, मेरे टीम मेंबर्स, वो सारे गिरेंगे उसमें, क्योंकि वो अंकल जी बोलेंगे मेरे को इतने की मिलती है, फिर वो आगे बोलेंगे, फिर वो आगे बोलेंगे, फिर वो टीम कहेगी हमें इतने की सेल करनी थी, वो इतने की मिल गई, उसको ये हो गया वो हो गया, हमें ये काम कभी नहीं करना, क्योंकि पहली चीज कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट, सेकेंड भगवान से स्ट्रिक्ट कोई नहीं है। हम अगर किसी की किसी भी तरह पे अपने एथिक्स पे कंप्रोमाइज करते हैं तो जो फर्स्ट सबसे पर्सन हमें नोट करता है वो कौन है बता, भगवान। कई बार हम एथिक्स कंप्रोमाइज कर लेते हैं लालच में, छोटे से लालच में। मान लीजिए सर हैं, इनकी टीम में कोई खड़ा हुआ पर्सन मेरे को नीचे मिल गया, मैंने कहा आप सर मेरे से जल ले लीजिए, मैंने कर दिया, ले लिए उससे पैसे 1300 रुपए, कितने पैसे ले लिए 1300, 1300 में क्या मैं अमीर बन सकता हूं, क्या मेरी लाइफ चेंज हो सकती है? नो। बट वो चोरी हो गई या नहीं? हो गई। किसने देखा? सर ने तो नहीं देखा, मैंने उसको बोल भी दिया कि तू बताना मत भाई किसी को, बट किसी ने देख लिया। वो जो फल देंगे उसको मैं ना नहीं कह सकता, वो मिल जाना है। क्लियर? पता चलेगा यहीं से निकलते हुए खुशी से कि 1300 रुपए आए, गाड़ी लग गई, बंपर उड़ गया, 13,000 रुपए लग गए। एंड इट हैपन्स, इट हैपन्स। हमें सबसे पहले जो एक चीज साफ करनी है ना, वो है हमारे कर्म। हमारे कर्मों का फल मिलता है, वो साफ रखने। FLP जितनी फाइन कंपनी दुनिया में नहीं बनी, मैंने बहुत कंपनी स्टडी की है, बहुत सारे सिस्टम स्टडी किए हैं, इतनी फाइन, इतनी जबरदस्त, इतनी एथिकल कंपनी पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, बट हमने इसकी ट्रेनिंग देनी है। थैंक यू। हमने इसकी ट्रेनिंग अपनी टीम को देनी है, उनको बताना है कि कभी लालच नहीं करना, 1300 रुपए उनका कस्टमर है, हम उसको और प्यार से मिलेंगे, और अच्छे से गाइड करके बोलेंगे कि सर आप अंदर से ही लीजिए प्रोडक्ट, वहां से लीजिए, और इतने का मिलेगा वहीं से लीजिए। आज मैं इनकी हेल्प करता हूं तो ऑटोमेटिकली कल को वो मेरी हेल्प करेंगे, मैं इनकी टीम की हेल्प करता हूं वो मेरी टीम की हेल्प करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस क्या हुआ, बढ़ गया, तो मेरा बिजनेस वो भी बढ़ गया। तो इसीलिए तो हम हैं। इंडिया में कितने लोग हैं, कई कंपटीशन बना लेते हैं कि सर भी मेरे साथ आते हैं, मैं भी आता हूं, इनका चेक कितना बढ़ गया, मेरा बढ़ा नहीं है। अरे कंपटीशन शुड बी पॉजिटिव, मेरे को इनसे इंस्पिरेशन लेना है, जेलेसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए,
मेरे लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि सर का इतना बढ़ गया, मैं भी बढ़ाऊंगा चेक, मैं भी मेहनत करूंगा। सर 20 लोगों को लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, मैं 25 को लेके आऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। जेलेसी का रिवॉर्ड जीरो है, बट एप्रिसिएशन का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यू शुड एप्रिशिएट अदर्स जो मेहनत कर रहे हैं, जो टीम को लेके आते हैं। आप अकेले हैं, जो 20 लोगों को लेके आया, यू शुड एप्रिशिएट हिम। आपको उससे सीखना चाहिए, वो मेहनत करके लाया। 20 लोग ऐसे नहीं आते, एक आदमी भी नहीं आता, बहुत फोन करते हैं तब भी नहीं आते। तो जो 20 लोगों को लेके आया, यू शुड एप्रिशिएट हिम, यू शुड लर्न फ्रॉम हिम, ही कैन चेंज योर लाइफ। उसको आपने पॉजिटिवली लेना, हम नेगेटिवली लेते हैं। अच्छा मेरे पास कोई नहीं, इनके साथ 5 बंदे हैं, वही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है और वही लोग ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि हमें भगवान, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो हमें देख रहा है और वो कहता है कि यार ये सबसे सड़ता रहता है, तो सड़ने दो इसको। इट इज अ फैक्ट, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम खुश होते हैं ना जब इनकी ग्रोथ से खुश, इनकी ग्रोथ से खुश, इनकी ग्रोथ से खुश, इन्होंने अचीवमेंट की। मैं आपको बताता हूं, मेरी टीम में जब भी कोई FLP में अचीवमेंट होती है, कोई भी FLP में, किसी की भी, कोई अच्छा लेवल अचीव कर रहा है, कोई स्कोरिंग बन रहा है कुछ, उसका केक मेरी टीम में कटता है, वो हमारी टीम से है, किसी भी टीम से। मेरे को एक ही होता है कि FLP में लोग इतना ग्रो हो रहे हैं, दैट इज इट, वी शुड हैव अ पार्टी। FLP का बर्थडे था तो मेरी टीम ने कितनी सिटीज में, छोटी छोटी सिटीज, छोटे छोटे गांव, लोगों ने अपने घर में केक बनाए, काटे, इतनी फोटोज आई मेरे पास, अभी भी व्हाट्सएप पे बहुत सारी फोटो है टीम की, अलग अलग जगह पे उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमारी वो एसोसिएशन होनी चाहिए, कंपनी के अंदर से दिल से प्यार होना चाहिए। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कितनी खुशी होती है ना, फैमिली का, बच्चे का, बट दिस इज आवर कंपनी, दिस इज आवर फ्यूचर, ये हमारे बच्चों का, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर है, इसका बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। मेरे को लगता है कि हमारे अपने बर्थडे से भी ज्यादा खुशी के साथ, प्यार के साथ मनाना चाहिए। जब हम ये करते हैं ना, हम कंपनी से प्यार करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्यार करते हैं, कंपनी के एथिक्स को प्यार करते हैं, तो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता, कभी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर हमारे दिल से आवाज निकलती है। और जब एक कस्टमर को हम दिल से बताते हैं ना, हमारा एलोवेरा ये है, कभी ना नहीं बोलता, वो कहता है ठीक है सर, इतना बढ़िया तो दे दीजिए। कई बार हम कहते हैं कि वी आर ट्राइंग, मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, ट्राई कर रहा हूं, आप भी भर दीजिए। वो कहता नहीं नहीं, तू पहले ट्राई ट्रू कर ले, अगर कुछ हो गया तो मैं भी भर लूंगा, तो फिर कुछ नहीं होता। वो प्यार आपको शो करना, वो होगा तो ही शो कर पाएंगे ना। तो प्यार कैसे होगा, हम इस सिस्टम को अंदर अपने संभालें, यहां आए, ट्रेनिंग्स लें, इस सिस्टम को अपनाएं, फॉलो करें, और एथिक्स के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस देना है, हमने FLP की ऐसी रेपुटेशन बनानी है कि लोग इसमें ज्वाइन होने के लिए तरसें, आपका टाइम लेने के लिए लोग वेट करें, ऐसे बनना, मजा ही तभी आएगा। तो रेपुटेशन हमने बनानी है। अपलाइन को अपना कोच समझिए। प्रॉब्लम होती है कई बार, अपलाइन कहती है आप ये करो वो करो या ये ना करो। हम कहते हैं जी अपलाइन क्यों गाइड करेगी हमें। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी एज ज्यादा है, अपलाइन की कम है, उससे क्यों सीखूं। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, ग्रो नहीं हो सकते। हमें पहली चीज उसको एज ए कोच मानना है, एक्टिव अपलाइन, डेड नहीं कह रहा मैं, एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल है, ऑनेस्ट है, एथिकल है, उसको हमने फॉलो करना। कभी भी गलत आदमी को फॉलो नहीं करना, कभी भी एक आदमी जो बड़ा मतलब बिजनेस को ध्यान ही नहीं देता, टाइम ही नहीं देता, उसको आप फॉलो करोगे तो वो भी आपको ये सिखाएगा, चल गोलगप्पे खाने जाते हैं, चल यहाँ टाइम ये मूवी आ गई वो करते हैं। आपको अपलाइन वो चूज करनी है जिसके पास एक मिनट नहीं होना चाहिए रेस्ट करने का, जो बिल्कुल बिजी है, मीटिंग 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 मीटिंग, क्योंकि वो आपको ये सब करवा देगा अगले 2 साल में, और आपकी इतनी बड़ी टीम होगी कि आपके पास भी फालतू टाइम बचेगा नहीं, नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे आप कभी, राइट। यू विल बी बिजी इन हैंडलिंग योर होम मीटिंग, टीम मीटिंग, लीडरशिप सेमिनार्स, व्हाटएवर, आप बिजी हो गए तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार हम कहते हैं जी कॉल एक करनी है, हम फील करते हैं कि शायद कॉल बहुत बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बड़ी ऐसे होनी चाहिए, उससे काम चलना। कॉल की क्वालिटी अगर आप मेजर करना शुरू कर दो तो देयर इज नो मेजरमेंट।
पर्सनैलिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं। टाइम एक लिमिटेड है, मैंने आपको बता दिया पौना घंटा एक घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगाएं। लग भी जाता है कई बार सवा घंटा डेढ़ भी हो सकता है, बट वो वेस्ट वाला टाइम नहीं होना चाहिए कि हम वहां गप्पे मार रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि लास्ट में वो बंदा फील करे कि यार मैंने तो मार्केट से ये लेना था। उसकी वाइफ बोले कि कहां फंस गए आप, मैंने तो आपको लिस्ट दी हुई थी, सारे काम रह गए। और वो बंदा सोचे ओहो लास्ट डे थी, मेरा बिल पे होना था, कहां फंस गया इसको बुला के। तब वो बंदा एकदम से नेगेटिव हो जाता है कि यार इसको दोबारा नहीं बुलाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबके पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम आपने उसका सेव करना है। वो बैठा भी रहा है, फ्री है, तब भी बोल दो नहीं मेरी अपॉइंटमेंट है, आई एम लीविंग, फिर मिलते हैं। तो मौका मिलेगा दोबारा मिलने का, दोबारा बताएंगे उसको एक घंटा, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉल्स। आप साल में एक कॉल करो, बहुत बढ़िया करो, बिजनेस होगा। बट रोज की जो 10 कॉल कर रहा है ना, उसकी कॉल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ कॉल्स इतनी है, 10 में से 2-3 बंदे पॉजिटिव होने ही होने। सो की टू द सक्सेस इज नंबर ऑफ कॉल, नॉट द क्वालिटी ऑफ कॉल। नंबर ऑफ कॉल जिसकी ज्यादा है उसका बिजनेस ग्रो होना ही होना, नंबर ऑफ कॉल जिसकी कम है बिजनेस नहीं बढ़ सकता। कई बार हम कहते हैं मैं ऐसे बंदे को ही प्लान दूंगा, तो पता चले हम 2 साल ढूंढते रहते हैं। आप किसी भी बंदे को प्लान दे सकते हैं, किसी भी बंदे को चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एक ही पर्सन है जिसको आपने इंप्रूव करना है, वो है आप खुद। आप इंप्रूव हो जाइए, आप 200 लोगों को ट्रेनिंग दे देके 3 महीने में चेंज कर सकते हैं, उनको प्रिंसिपल सिखा सकते हैं लाइफ के, फंडामेंटल सिखा सकते हैं FLP बिजनेस के, करियर के, राइट। तो आपने पूरी मेहनत शिद्दत करनी है कि आप सीखें सिस्टम को और आगे उसको डेवलप कर पाए, लोगों को बता पाए। पहले बता चुका हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है, क्योंकि इसके बाद आपको ना बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, नेगेटिविटी होती है, वो खत्म हो जाती है। और भगवान कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ही वही है, भगवान का नाम लेना। आपने वो नाम लिया, 10-20 मिनट में बॉडी रिलैक्स, टेंशन खत्म, परेशानियां, फालतू की नेगेटिविटी जो हमारे चेहरे पे झलकती एक कस्टमर के घर पे जाके, मेहनत कर रहे हैं हम, पसीना बहा रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं एक क्लाइंट को मिलने के लिए, बट घर में उसके पहुंच के नेगेटिव है। उसकी बजाय अगर आप भगवान का नाम लेके सुबह निकले, पहली बात तो आपके अटेंडेंस वहां लग चुकी है, वो भी नोट कर रहे हैं कि आज मेरा भक्त वहां जाने वाला है, तो वो भी कुछ पॉजिटिव करते हैं, तो फिर वो एक जेल नहीं लेता, वो 2 हनी भी मांग लेता है, किड्स भी मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, प्लस बोलता है कि मेरी सिस्टर को भी देना, उसका भी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं, उनका रेफरेंस भी ले लो, 5 और भी हैं, मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ। देन यू स्लोली एंड स्लोली रियलाइज कि वो भगवान भी आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। बट उसके लिए हमें बड़े ईमानदार होना, सच्चे बनना, मेहनत करनी और एक माइंड सेट के साथ चलना कि हमने सबकी हेल्प करनी है। जब इस माइंड सेट के साथ चलते हैं, कहने से नहीं होता, अंदर से होना चाहिए। जब आपने फील कर लिया ना, मान लीजिए रोड साइड पे एक गरीब है, आपके मन में आ गया कि वो कितना गरीब है, मैं इसको कुछ दूं, आप पैसे दें या ना दें, अगर दिल से आवाज आई तो आपके अटेंडेंस ऊपर लग चुकी है, आपको उसका फल मिल चुका है। खाली ये नहीं होता कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाके वहां पे कुछ पैसे डालूंगा तो मुझे कुछ पुण्य मिलना या फल मिलना। मैंने अगर किसी आदमी के बारे में दिल से सोचा कि मैं इसकी सपोर्ट करूं, ये कैसा है बेचारा, मैं इसके लिए कुछ करूं, तो तब भी भगवान देखते हैं कि इसके मन में श्रद्धा है, ये कुछ करना चाहता है, तो उसका फल मिलता है। तो लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया माइंडसेट के साथ करें, किसी को हेल्प करने के लिए करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए भगवान आपके साथ रहते हैं। तो भगवान जब आपकी हेल्प करते हैं, जब वो आपके साथ हैं, तो दुनिया को कोई चैलेंज आपको परेशान कर सकता है? आपकी ग्रोथ को कोई रोक सकता है? होगी बहुत ज्यादा। सो हमने काम ऐसे ही करना है जिसमें भगवान खुश हो। जब वो खुश हैं तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमेशा सच्चाई का साथ देना। जब आप सच्चाई का साथ देते हैं तो भगवान आपके साथ ही रहते हैं। सच्चाई को प्रूव नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ हमें अंदर से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। लोग कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी उनको लगे, बट सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो उसको फल मिलना है। धीरे धीरे वो 10 लोग जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे 2 महीने, 3रे महीने, 4थे महीने वो देखते हैं कि आप एक ही काम में जुटे हुए हैं, वही काम करे जा रहे हैं उतनी मेहनत के साथ।
उसी पॉजिटिविटी के साथ। तो धीरे धीरे वो फिर पूछते हैं कि आप वो क्या कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं? हाँ वही कर रहा हूँ, बड़े मजे से कर रहा हूँ, बड़ा मजा कर रहा हूँ उसमें, ग्रो हो रहा हूँ। फिर वो कहता है अच्छा चलो बताओ वो तुम क्या बता रहे थे, वो क्या होता है वो तुम्हारा एलोवेरा, वो चलो दो मेरे को, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। काम शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं। तो सच्चे मन से हमने मेहनत लगन से करते जाना करते जाना, कभी रुकना नहीं है। कोई एक पर्सन नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव नहीं होना, हमने उसको छोड़ देना। कई बार बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे नेगेटिव, मे बी वो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, हमें करना है। हम उनको सुनेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। कई लोग फेलियर मिलते हैं, फेलियर को सुनेंगे हम, फेलियर की बात मान लेंगे। एक आदमी फेलियर है वो आपको कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये ना करो, माननी चाहिए उसकी बात। हमें बात माननी है ना, तो हम जो यहाँ पे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनकी माने, उनको सुने, उनको फॉलो करें। जो उन्होंने ड्रीम्स देखे, जो उन्होंने काम किया उसको फॉलो करें, उससे भी बड़े ड्रीम्स लें, उससे भी ज्यादा बड़ा सोचें। बिग थिंकिंग की पावर आपके सामने है। चेक, बड़ा सोचा, बड़ा डिसीजन लिया। इट वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी टू लीव अ फैंसी डेजिग्नेशन। बहुत अच्छे अच्छे MNCs, AIG, स्टैंड चार्टर्ड, मेटलाइफ, बड़े अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे काम किया। फैंसी डेजिग्नेशन होते थे, पैकेज, इंसेंटिव्स, कंपनी की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज होती थी, अलाउंसेज मिलते थे, ट्रैवलिंग, कार के लिए पता नहीं क्या कुछ देते थे। बट वो सब कुछ छोड़ के डिसीजन लिया कि बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करना है। वहां जो एनुअल पैकेज था आज वो मेरा मंथली पैकेज है। और मेरा नहीं, साथ में यहां जो खड़े हुए मेरे मौसी जी के बेटा जी हैं, मिस्टर मनिंदर सिंह, ही इज ऑल्सो अ सोरिंग मैनेजर इन FLP। फॉरएवर आपको ऐसी मजेदार लाइफ देती है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे रियल ब्रदर संदीप कंबोज, वो भी इसी सिस्टम में, वो भी ट्रेनिंग में है, FLP में है, वो भी सीनियर मैनेजर हैं। अभी मेरे साथ सिंगापुर ट्रिप क्वालिफाई करके जाके आए हैं, प्रॉफिट शेयर अचीव किया। तो पूरी फैमिली जो है, पूरे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे सब इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ आप एक आदमी अपनी लाइफ चेंज नहीं करता, वो अपने साथ वालों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। बट एक ही शर्त है उसके लिए, एक ही कंडीशन है, वो है कि हमें एक अच्छे रास्ते पे चलना है। अच्छा रास्ता, ट्रेनिंग, मेहनत और कंपनी सिस्टम्स फॉलो करने। कोई भी चीज जो कंपनी के सिस्टम से बाहर है उसको नमस्कार कर देना कि सॉरी ये नहीं हो सकता। नो बोलने का दम रखना है टीम को। कई बार टीम पे हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अच्छा उसकी सेल आ जाएगी या वो कुछ भी गलत आ रहा है ना, यू शुड हैव द गट्स टू से नो, ये नहीं होता FLP में, ये नहीं होता। क्योंकि वो रेपुटेशन डाउन हो रही, कई बार आपकी डाउनलाइन आपको चेक करती है, सर ऐसे कर लें, अगर आपने गलत जगह पे कह दिया ना कर लो यस, मतलब आपने अपनी जो रेपुटेशन थी ना वो खो दी उसकी आंखों में। 15-20 रुपए शायद उससे कमीशन मिलना था आपको, रेपुटेशन गई, सब गया। जब आप नो कहते हैं तो एक ही चीज डेवलप होती है उसमें कि मेरी अपलाइन कितनी अच्छी है, कितनी ईमानदार है, तो ये मेरे को जो रास्ते पे चला रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो एक अच्छी अपलाइन बनेंगे तो एक अच्छी टीम मिलेगी, एक सॉलिड बिजनेस मिलेगा। गलत चीज का बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता। सही चीज, सही ट्रैक, ईमानदारी वाला, वो लॉन्ग टर्म ट्रैक है, वो चलेगा, वो पढ़ेगा। उसमें मेहनत शुरू में ज्यादा लगती है बट मजा बहुत ज्यादा आता है। सो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आप अपने नहीं, अपनी पूरी टीम के, लाखों लोगों के सपने जो है वो पूरे कर सकते हैं। ₹97 लाख, थैंक यू। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, मैं लैम्बोर्गिनी का फैन हूँ, मेरा मन यही कहता रहता कि मैं फटाफट स्पोर्ट्स कार्स में बैठूं, और मैं ड्राइव भी कर चुका हूँ US में उसको, तो बाय भी करने वाला था लास्ट ईयर भी, आई प्लान्ड, बट आई डिसाइडेड कि मैं बाय तब करूंगा जब मेरा जो दिवाली बोनस का जो चेक है ना वो सिंगल चेक में वो गाड़ी आ जाए। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो FLP इज सो बिग, FLP इज सो पावरफुल कि आपके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स जो शायद कल्पना नहीं कर सकते लोग, आप वो यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है हमें, खूब मेहनत, लगन, दिल से करना। काम दिल से होता है, बाहर से करेंगे नहीं होगा।
अंदर से करना है. एफएलपी प्रोडक्ट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए पूरी फैमिली में. जिस आदमी के घर में उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को नहीं पता ना फॉरएवर प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो मतलब काम आप शुरू नहीं किया आपने. आप अपने घर में नहीं बता पाए फैमिली को, तो मार्केट में भी वैसे बताएंगे, उनको भी ऐसे पता होगा. बट अगर आपके घर में लोग दीवाने हो चुके हैं एफएलपी प्रोडक्ट्स के, उनके मन में रिस्पेक्ट है इस प्रोडक्ट के लिए, इस कंपनी के लिए, तो फिर मार्केट में भी आप रिस्पेक्ट बनाएंगे, मार्केट में भी वही मैसेज आपके थ्रू जाएगा और वो मार्केट पॉजिटिव होके आपको सैल्यूट करते हुए आएगी कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये कंपनी बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल डिफरेंट है. राइट, तो अच्छी इमेज बिल्ड कर सकते हैं हम, बहुत इजीली कर सकते हैं. जो हम काट बोते हैं वही हम काटते हैं. लाइफ एक इको है, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चे मन से करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसी को हमें फल लेना, जो हम करेंगे फल उसी का मिलना. लाइफ टाइम का प्लेटफॉर्म है, हमें डिसाइड करना है हमने यहां पे अपनी रेपुटेशन कैसी बनानी है. कैसी रेपुटेशन होनी चाहिए? ही इज द बेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज अमेजिंग, ही इज हार्ड वर्किंग, ऐसी होनी चाहिए. तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, सिंपल. और ऑनेस्ट बनना शायद सबसे ईजी काम है, ऑनेस्ट बनना सबसे जरूरी काम है. ऑनेस्ट बनना हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं. सभी के पेरेंट्स यही गाइड करते हैं, हमें रिलीजियस सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए. तो पहली चीज वहां एक ही बताई जाती है, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू दिस सिस्टम, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. क्या आपने फॉर्म भरा है तो बी ऑनेस्ट कि आप कॉल्स कितनी करते हैं, बी ऑनेस्ट कि आप मेहनत कितनी करते हैं, बी ऑनेस्ट आप फॉलो अप कितने ले रहे हैं, बी ऑनेस्ट कि आप रेस्ट करते हैं या प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं. मेरे को लोगों की कॉल आई कई बार कि एक पेस देने 300 किलोमीटर दूर से, कि सर एक पेस चाहिए थी. मैंने कभी नहीं बोला मैं थका हुआ हूं, मैं यहां हूं वहां हूं 10 दिन. मैंने कहा सर खत्म हो गई है, कितनी है, 1-2 दिन चल सकती है? जब उसने बोला कि सर आज की है कल नहीं चलेगी, आई सेड ओके. रात को 10 बजे भी मैं गाड़ी उठा के 300 किलोमीटर दूर डिलीवर करने उसको गया. और थैंक यू. शुरू में घर वाले कई बार बोलते हैं क्या हो गया तेरे को, बट आज वहां पे लाइंस लगी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की. उसका रीजन है वो पेस्ट जो मैंने वहां पे डिलीवर की. उनको भी नजर आता है कि एक बंदे में इतना पैशन है, हमने मांगी पेस्ट और बताया कि कल खत्म हो जाएगी या परसों खत्म हो जाएगी, और वो बंदा डिलीवर करने के लिए आता है. दे आर ऑल्सो कैलकुलेटिव कि अगर वो 400 रुपए की पेस्ट देने आएगा तो शायद उसको 20 रुपए मिलने हैं, बट गाड़ी में तेल तो लग रहा है उसका 2000 रुपए का, 2500 रुपए का. तो 2500 का तेल लगाता है, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज कंसर्न्ड अबाउट माई कंसर्न कि मेरा पेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए. जब ये चीज आपने उसमें पैदा कर दी ना, नाउ यू कैन ड्राइव हिम. यस, अब आप उसको बोल सकते हैं विद प्राउड कि आपने मेरे सिस्टम देखे, मेरी सपोर्ट देखी. और वो खुद बोलता है सर आप तो बात ही मत करो, सर आपके जैसी सपोर्ट, आपके जैसे सिस्टम, मुझे याद है आप उस दिन पेस्ट मैंने बोला था और आप तो पहुंच गए थे, और मुझे शर्म आ रही थी कि आप एक पेस्ट देने आ गए. कई बार हम उल्टा सोचते हैं कि एक पेस्ट देने जाएंगे. नो, वो एक पेस्ट नहीं है, वो एक डायमंड बैठा हुआ है जो आपको बुला रहा है. जब बुला रहा है तो हम कभी अपना टाइम नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे कि आज पांव दुख रहे हैं, चल देंगे हम. जब इस मोड में हम पहुंच जाएंगे तो बहुत काम होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे. सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने इतना टाइम निकाला, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. थैंक यू सो मच.